हाँ भाई क्या भैया वेलकम टू अदर एपिसोड आस गंजी स्वैग आई एम बैक विद चूआ कलर शर्ट आज कीबोर्ड नहीं रखा बिकॉज अभी से एक घंटे पहले पूरी सेटिंग चेंज थी हमने ग्रीन स्क्रीन वन लगाई थी क्लासरूम का सेटअप बनाया हुआ था आई वॉज द टीचर और फिर अभी हमने दोबारा सब कुछ चेंज किया एंड टू डू दिस बिकॉज वीकेंड है एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर यू गाइज वेट फॉर दिस वन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दो रियली एग्जॉस्टेड थोड़ा बहुत बिकॉज इट्स बिन अ वेरी हैप्पनिंग वीक मैंने छः वीडियोज़ बनाई हैं खाली इस वीकेंड याम ट्राई टू टेस्ट माई लिमिट्स पता नहीं मैं टू वीडियोज़ पर डे पे चला गया हूँ प्रोडक्शन तेज कर दिया आइडियाज़ बहुत है देर इज सो मच आई वॉन्ट टेल दिर सो मेनी स्टोरीज आई वॉन्ट शेयर विद यू देर आर सो मेनी फन फैक्ट्स आई वॉन्ट शेयर विद यू इट्स यू स्टार्ट एडिटिंग टेक्स इट्स ऑन टाइम ऑब्वियसली Uh, बोलना बहुत आसान होता है मगर उसके ऊपर कारीगरी कार्यगरी खासतौर पर जो आप शॉर्ट्स की वीडियोस देखते हैं दे, दे रफली टेक तीन से चार दिन वो जो एक मिनट की वीडियो आप देखते हैं ना फैंटा की हो गई या अडीडाज की जो आपने देखी थी दे लिटरली टेक थ्री टू फोर डेज बिकॉज उसमें एनिमेशन होती है तो बड़ी मेहनत होती है दिल से काम किया हुआ था उसमें खैर विदाउट फर्दर ई डू चलते हैं आज के सवाल की तरफ नंबर वन सेज डीलिंग विद इनसिक्योरिटीज़ हेलो जुनेद भाई आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल i love your podcast i will listen to them in the gym going or going to work etc literally full of nice content and funny as well my question is about insecurity my background i live in canada i'm 24 uh, go to university and do a part-time job i love going to the gym as well question my insecurity is my eczema i am a semi good looking man uh, i'm 6'1 i'm a fit guy only thing i don't like about my body is my dark neck I have a patch of dark skin on my neck. This makes me feel so insecure about myself. Even at the gym, I look so good with a pump. I be feeling so happy and proud. Then all of a sudden I look at my neck and feel down. I always think when I'm talking with someone, they are looking at my neck and being grossed out or thinking, What the fuck is that? I keep reminding myself people don't look at you the way you look at yourself. However, I can't get out of this insecurity. Sometimes I think they might reject my Rishta because of this please talk about how i can get rid, get rid of this insecurity or any other insecurities people are going through how to not give a fuck about what people are thinking how to be more confident and loving and expecting uh, accepting uh, yourself the way you are additional information i was born in the west however i also lived in pakistan for like eight years of my life most comments about my neck were made in pakistan in Canada, like literally, maybe a few people mentioned my neck in the past 10 years. Most DC people are judgmental and they look at you. how to specifically not give a fuck about what DCs think, because this is more of an issue. I am totally with you when it comes to DCs being um, irresponsible uh, with passing a comment, ya uh, insensitive about something, इसी तर्ज का एक और सवाल आगे आएगा उसमें भी मोर और लेस इसी तरह की चीज़ें हैं उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगा सो आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि हमें ना हमारे यहाँ अगर क्योंकि बचपन से तरबियत नहीं दी जाती किसी के अगर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है किसी भी किस्म की लाइक यू नो द वे लुक या किसी की आँख में कोई मसला है या किसी की चाल में कोई मसला है या किसी के बाल में कोई मसला है अब आप मेरी ही Uh, हम हम बॉडी शेमिंग बॉडी शेमिंग कितना करते ना लेकिन बॉडी शेमिंग सिर्फ क्या फैट लोगों uh, तक रिड्यूस की हुई है एटलीस्ट इन पाकिस्तान आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट के नीचे जाएं पीपल आर लाइक लूजली कॉलिंग मी गंजा दिस एंड दैट वट मुझे खैर फील नहीं होता आप अली वली यार जिसकी जो तरबियत है वो वैसे ही करेगा ठीक है आई ओन दिस मुझे तो कभी मैं तो उल्टा अपना मेरा तो नाम ब्रांड का नाम ही गंजी सो गया ये लगा हुआ आपके सामने तो उसको ऑन कर लो ना तो पॉसिबली एट सम पॉइंट मुझे भी फील होता होगा कि यार यू नो आई लुक एट माई फ्रेंड हु हैव फुल हेड ऑफ हेयर माई मेरे अपने भाई मेरे छोटे भाई के इतने लंबे बाल थे भाई कुछ सालों पहले तक <laughs> तो सया so, yeah. फील होता है बट देन फिर यू you नो know, कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता एंड दिस इज वॉट वेयर स्टोइसिज्म हेल्प्स मी अलॉट मैं काफ़ी मेंशन करता हूँ उसको बिकॉज आई फर्मली बिलीव इन द टेनेंट्स और उसमें एक चीज़ यही है कि सरकम चांसेस पर आप जिस पर नहीं है कंट्रोल तो नहीं है कंट्रोल खली वली तो मैं मैं तो खली वली कर देता हूँ अगर मुझे कोई पॉइंट आउट करता भी है बिकॉज ऑफ माई फ्रेम आई हैड अ वेरी आई आई थिंक आई स्टिल हैव अ वेरी वियर्ड वॉक तो उस पर भी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे स्कूल में कॉलेज में वगैरह वगैरह बट एक चीज़ में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ तो आप भी फिर यही सोचें यार एक चीज़ है आपने तो नहीं बनाई आपने तो नहीं डिज़ाइन की और वही वाली बात है बहुत सी बहुत सी बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि लोग आपकी उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं जो आप नहीं चाह रहे होते लोग नोटिस करें और वो फिर आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसी पे रहती कहीं ये देख तो नहीं रहा मेरे निशान को तो नहीं देख रहा है मेरे स्कैप को या मेरे किसी मार्क को या मेरे बर्थ मार्क को तो नहीं देख रहा बार बार ऐसा होता है इट्स क्वाइट नॉर्मल बट कंसिडरिंग द फैक्ट आप बस जहन में ये जहन नशी कर लें आप जिस मुल्क में रहते हैं कैनेडा में वहाँ पर लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली uh, 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 well. तो बट इन देयर माइंड सेट इज़ वेल तो वहाँ इन चीज़ों को इतना ख़ातिर खा नहीं लाया जाता एंड दे अंडरस्टैंड तो आई डोंट थिंक आप अगर ये कॉन्फिडेंस अपने दिल में रख लें कि यार मैं जिस मुल्क में हूँ यहाँ पे इंसान के बच्चे रहते हैं तो आपको इतना फील नहीं होगा हाँ रही बात देसीज़ की तो देसीज़ का तो आपको पता ही है इनका कोई फ़िल्टर नहीं होता और वो समझते हैं कि वो बहुत कूल cool है हमारे यहाँ ना ये ये ओवर कॉन्फिडेंस हर हर किस्म का आ, और अगली जो ई मेल आएगी जिसका मैं अभी हवाला दे रहा हूँ मैं अभी शूटिंग से पहले पढ़ रहा था कुछ ई मेल्स फ़िल्टर आउट कर रहा था उस 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 हेडिंग का नाम ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ये हमें है हम समझते हैं कि बस हमने सिर्फ नमाज पढ़ ली और ग़रीब को खाना खिला दिया तो सब सही हो गया अब हम आए दिन लोग हम लोग ना हुकूक अल्लाह कर लेते हैं नमाज रोज़ा हज जक़़़त पूरे करते हैं कुर्बानी बहुत जो शुक्र लेकिन जो हकूक व लिबाद है ना जो इंसान के साथ मामलाते हैं उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि हमें मौलवी साहब ने सारी जिंदगी क्या सिखाया कि आपने पूरे साल जितने भी गुना किए वो सत्ताईसवीं शब को आप जाग लो तो ज़ीरो हो जाता है तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा आसान बड़ी आसान डील है या अगर आपका रोज़ा छूट गया तो जी बीस लोगों का खाना खिला दो तो लोग रोज़ा ही रोज़ा भी नहीं रखते कहते चलो जी सैलानी पर खाना देख करवा लेते हैं तो जब आप लोगों को ईजी वे आउट दोगे ना तो फिर उसको अब्यूज़ ही करेंगे तो हमने अल्लाह तो पकड़ लिए हुकूक बाद में चूँकि हमें ईजी वे आउट है हालाँकि उसकी ज़्यादा सज़ा है हमने अगर नमाज़ नहीं पढ़ी अल्लाह माफ़ कर सकता है लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया और उससे माफ़ी नहीं मांगी तो अल्लाह कहता है कि भाई सॉरी कॉन्ट हेल्प वो वाली पार्टी है उससे माफ़ी मांगनी थी मुझसे आके क्या रो रहे हो और यही होगा लेकिन हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते और कहीं भी बात जो है ना वो ज़्यादा हर्ट करती है Uh, वो कहते हैं ना लफ्ज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है लफ्ज़ बड़ी बहुत पावरफुल होते है मैं कितनी बार बोला है वर्ड डू आई यूज़ पावर ऑफ स्पीच वाई आर यू फॉलोइंग मी बिकॉज ऑफ वर्ड आई से यू नो इट हैज़ मीनिंग फॉर यू और वट एवर तो इसी तरह उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही ज़्यादा बल्कि कहीं ज़्यादा ही होता है ठीक है कई बार मैंने भी मेंशन किया है कि यार आप लोग इतनी मैसेजेस करते हैं दुआएं दे रहे होते हैं मगर एक आद होता है गालियों हो का पूरा मूड किल कर देता है बहुत ख़राब कर देता है तो नेगेटिविटी बिल्कुल इट्स रियली स्ट्रांग एंड आई टोटली अंडरस्टैंड अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है तो उसकी वजह ही यही है बिकॉज एट सम पॉइंट इट हर्ट्स माई वेरी ओन कजन हैज़ आई डोंट नो इफ इट्स एक्जिमा बट ही हैज़ लाइक दिस स्किन कंडीशन कि उसके पूरे हाथ और uh, पैर में नॉट ऑन हिज फ्रंट एंड बैक बट लाइक लेग्स में और हाथ में निशान है और उसके ना ही हैज़ नो फेशियल हेयर और उसके सर पे भी जो है ना लाइक ही इज़ लाइक द रिवर्स ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस पीछे से बॉल्ड है सो लाइक अब सोचे पाकिस्तान जैसे माहौल में वो बच्चा पला बड़ा है ठीक है ना उसको आई एम वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज आई आई रियली फील फॉर हिम और मुझे अंदाजा है कि वो कितना इनसिक्योर रहा है पूरी ज़िंदगी आई यूज़ टू नोटिस हिम के कहीं भी जा रहे हैं ना अच्छा लोग यूं यूँ हाथ पकड़ के ना बच्चे हैं अब चूंकि बच्चों को तमीज़ वालदेन ने सिखाने दी वालदेन को अगर सास बहू के फड्डों से फुर्सत होती तो औलाद की तरबियत करते ना तो औलादों की तरबियत इसलिए पीछे रह जाती क्योंकि नंदों से भी लड़ना है शोर को भी काबू करना है शोर ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है दूसरों में नैन मटक्के करने हैं दफ्तर की पॉलिटिक्स करनी तो औलाद तो बस हमने शो पीस के लिए कर दी पैदा अब अल्लाह ही संभाले तो अल्लाह ही संभाल रहा है तो बच्चे जो है ना अक्सर एक दूसरे को पॉइंट आउट करते कर उसके बाल देखो एंड लाइक वो अपने अंदर ना किल हो जाता था वो बिल्कुल तो माशा ही स्थर्डी प्लस ना स्टिल सिंगल और उसकी बुनियादी वजह यह उसका कभी कॉन्फिडेंस ही इतना नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर है वो देखने में बहुत यूनिक है ठीक है तो तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल नोटिस की है कि उसकी नज़रें हम हर वक्त ऐसी होती है कि मुझे लोग जज कर रहे हैं मुझे देख रहे हैं क्योंकि उसका बहुत बहुत नोटिसेबल है राइट यू कान मिस हिम सो आई टोटली गेट यू मैन आई आई टोटली अंडरस्टैंड वे यू कम फ्राम बिकॉज इट पोटेंशली किल्स यू फ्राम द इन साइड मैं बस हाउ टू नॉट गिव अ फक आई वुड से ओन इट जो है वो है भाई ओन करो ठीक है ना आई नोटिस मी गेटिंग बॉल्ड आई मीन आई एट सम पॉइंट आई फिगर्ट के ओके दे नॉट गर्वाइव आई आई स्टिल हैव हेयर बाय द वे मैं हफ्ते में दो बार बाल कटवाता हूँ खुद काटता हूँ ट्रिमर से <laughs> तो सॉम कम्प्लीटली बॉल्ड मगर ये कि वो पैटर्न अजीब मुझे मैंने आ, मैंने देखा ही नहीं ना आउट ग्रो ही नहीं किया ना दो हज़ार सोलह से um, तो सो so लाइक like, या मैंने फिर उसको ऊन किया मतलब अब ठीक है ये रियालिटी है मुझे इसी के साथ रहना अब जिसने जो बोलना है बोले ठीक है ना अल्ली बल्ली, बल्ली टेंशन ही नहीं लेनी जो बोलता है वो बोले तो आप देसीयों में उठना बैठना कम करने में फिर यही मशवरा दूंगा क्योंकि आपको ज़्यादा दुख वहीं से ही मिलेगा बाकी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स और एनी प्लान तो मैं, मैं उस पर तो खैर कुछ नहीं कह सकता फ्रॉम द कॉस्मेटिक स्टैंड पॉइंट तो वो दैट्स एब्सोल्युटली योर कॉल मगर ये किस एज लॉन्ग एज यू हैव इट जस्ट फॉके ओन इट मैन i don't give a shit about i mean it's your choice it just so happened so so is it an to next question piracy a sin hello Junaid i hope you're doing well my name is abc i'm from pakistan i've been religiously following you since 2015 and you have changed my life uh, as a person and i thank you a lot for that honestly thank you very much my question is we have been pirating softwares windows and games from our childhood days without even knowing it to the point people consider it's normal i have seen many organizations working on cracked software and not batting an eye i'm sure many of your listeners will be using pirated things and would honestly love to hear uh, uh, your stance on it it may help understand why it's the same एज टीलिंग एंड इज़ अर अन अवेयर ऑफ या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट इट इज़ एक्चुअली ट्रू हम लोग चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी चीज़े में नॉर्मलाइज हुई हुई हैं तो हम उसको इतना सोचते हैं नहीं हैं और uh, हम जानते ना जानते हुए भी जो है न हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं टोरेंट भी हम दबा के कर रहे होते हैं मैंने भी बहुत दबा के किए मैंने भी क्रैक सॉफ्टवेयर दबा के यूज़ किए हैं क्योंकि यार जब तक औकात नहीं थी तो नहीं थी लेकिन जब इस पोजिशन पर आए तो जाहिर है ये एक गिल तो है फील तो होता है मैंने अपने तमाम स्टाफ को बोला भाई कि कुछ भी परचेज करना हो वट एवर यू नीड जस्ट यूज़ माई कार्ड जो कि वैसे नहीं चलता ऑनलाइन <laughs> ट्रांजेक्शन बैंक से सर आपने कोशिश की थी अब एक कोशिश ही कर सकते तुम चलाते ही नहीं हो कार्ड तो इट इज़ स्टीलिंग भाई चोरी है क्योंकि यार आप सोचो ये विंडोज शिंडोज बनाना कर इतना आसान होता ना हर गली मोहल्ले में बन रहा होता क्यों दुनिया में इतने कम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं क्योंकि यार उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है ठीक है ना आई ऐसे बहुत सालों की तो वो वाले साले नहीं सालों की टाइम की ठीक है तो आपको कैसा लगेगा यार और ये चीज़ मैंने पता कब रियलाइज़ करना शुरू की जब मैं मीन्स बनाता था और लोग बड़े प्यार से उठा के अपने पेज पर पे चला दिया करते थे तो मैं लगा रही तो बनाया मैंने था मेरी मेहनत थी फिर मुझे ख्याल आया इसी तरह दूसरों की मेहनत होती है वीडियो गेम्स जो हम क्रैक कोड लगा के चला रहे होते हैं फिर आ, मैंने आ, मीम्स वीडियोज़ से बनाना शुरू किए वो भी चोरी हो जाते थे अभी तक होते हैं मेरी वीडियोज़ उठा के वो जैसे अभी वो अमेज़ोन गो की स्टोर वाली मैंने आपकी स्टोरी में भी डाली थी अपने किसी ने उठा के अपने पेज पर पे चलाई बुरा लगा ना अभी इतने लाखों का टिकट लेके मैं गया न्यूयॉर्क मैंने वहाँ इतनी खज्जल खुआारी की इतनी गर्मी में घूम फिर के मैंने वीडियो बनाई और किसी ने बड़े मजे से यूँ डाउनलोड की और यूँ अपलोड कर दी कितने पेस्ट व्यूज़ थे उस पर आठ दस लाख थे उस पर भी मतलब वो व्यूज़ मुझे मिलने थे उसके पैसे मुझे मिलने थे जो कि कोई और ले गया ठीक है तो जब आपकी चीज़ चोरी होना शुरू हुई ना फिर आपको एहसास होता और ये एहसास जाहिर है मेरी आया क्योंकि एक चीज़ इतनी नॉर्मलाइज थी हम कभी सोचते नहीं थे और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है इंडिया में है क्योंकि आ, बिल गेट्स ने शर्ती ये रखी थी कि भाई आप एंटी पायरेसी लॉज थोड़े स्ट्रॉन्ग करें लॉज हमारे यहाँ पूरे हैं हमारे यहाँ सड़क पे थूकने पे भी अगर आप जुर्माना ना दे पाएँ तो छः महीने क़ैद का कानून मौजूद है इम्प्लीमेंट नहीं होता बात सारी है ठीक है इसी तरह पायरेसी लॉज तो हैं स्ट्रिक्ट नहीं है तो उसने यही बोला था यार कि आपके मुल्क में इतना यूज़र है लेकिन मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसमें तो खाली इतने से ही हैं तो आपका पूरा मुल्क जो है जाली विंडोज़ पे चल रहा है अब इतनी औकात तो है नहीं कि हर कोई एप्पल पे चल रहा है यहाँ पे समझ रहे हैं आप अब जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ रखा हुआ है तो मैं वो नहीं कर रहा लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ ठीक है तो इतनी तो अकल उनको भी है क्यार इतने एम एस वर्ल्ड एक्सेल वैक्सेल पावर पॉइंट बड़ी बड़ी कंपनीज आपने सही बोला बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी भी कंपनीज में मैं गया हूँ भाई के मतलब याद है नाम नहीं लेंगे गए थे बीच में जमात हो रही थी और उन साहब का नाम अखबारों में किन चीज़ों में आता है अबे भाई सोचने की बात है बीच में जमात हो रही है नमाज की और वहाँ पे सारी ये वाली विंडोज़ चल रही थी तो हम ना इसको सोचते नहीं हम कहते हैं भाई ये तो बस ठीक है नहीं तो ऐसे ही चलता है तो ऐसे नहीं चलता ये गलत बात है वो बिल्कुल चोरी है अब जस्ट बिकॉज़ आप देखो हमने ना चोरी अभी तक वही समझी जो सेवनटीज़ एटीज़ नाइन्टीज़ या अभी मोबाइल चोरी चोरी होती है ना या गाड़ी किसी से चोरी की फिजिकली कुछ चीज़ लेके गया आपसे डिजिटल चोरी भी वही चोरी है कि यार मेहनत किसी और की थी आपने बस यूं करके उठाई और अपना अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप एक तरफ से इतने हर चीज़ के पाबंद हो तो आपका जो पूरा कारोबार है जिससे आप रिस्क आप सिर्फ आपनी आपकी बदौलत 200 400 चार जितनी भी आपकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर का रिस्क रोजी रोटी चल रही है तो अगर आप जाली विंडोज़ पर चला रहे हो या जाली ओ एस पे चला रहे हो ठीक है तो यार आप हराम खिला रहे हो टेक्निकली ऐसा ही है भाई चोरी के माल से अगर मैं पैसा बना रहा हूँ हराम है ना सीधी सीधी बात है मगर ये हमें समझ नहीं आती हम समझते हैं चोरी वही है कि यार इसके वॉलेट में से मैंने पैसे निकाले वो चोरी अभी ये भी चोरी है हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोग हमें ये पता क्या क्या रीजन देते हैं आपका पब्लिक पेज है चीज़ पड़ी हुई थी पब्लिक तो हमने उठा ली आपके पेज से तो मैंने बोला ठीक है सर तो मेरी गाड़ी भी पब्लिक पे रोड पे खड़ी है तो उठा के दिखाओ ना तो मेरे मैंने जी जी फोर के फायर मारे मैंने बताओ समझो मेरी बात ये लोग बाकायदा रीज़निंग देते हैं कि यार मीम है ठीक है आपका मीम है लेकिन आपका पेज पब्लिक है पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी ठीक है इन्जॉय करने के लिए उठाने के लिए नहीं है वो कहते है, हमने उठा ली तो मेरा ठीक है जी मेरी गाड़ी भी खड़ी वो भी उठाए आके वो नहीं उठाते तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अच्छा ही बहुत रीज़न जो है ना हमारी तंजली का डलाइन uh, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में उसकी वजह ये कि हम में ना सही गलत की तमीज़ बिल्कुल नैरो हो गई है पहले तो ना सही और गलत अलग अलग नज़र आते थे अब वो बिल्कुल नैरो हो गई है लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है बिज़नेस एज़ यूजुअल ये हो गया यहाँ पर आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सही आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया और इसी पर सोचना चाहिए चले मैं मानता हूँ हम लोग बहुत सारे लोग जितने भी आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे फ्रीलांस के काम करने वाले होंगे ठीक है आप स्ट्रगलिंग फेज़ में होंगे तो आप इसको एज़ अ टूल इस तरह यूज़ करें बट प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आप फैमिली को रिस्क के हलाल फीड करो और आपका ईमान है कामिल ईमान है आ, चाहे आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो ठीक है ना दो नंबर पैसा तो नहीं खिलाना ना माँ बाप को माँ बाप ने पाल पोस के देखा हमें से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास शरीफ फैमिली के लोग हैं ना या नहीं है ठीक है ना तो माँ बाप ने इज़्ज़त की रोटी खिलाई है ना पाल पोस के इतनी गंदी गंदी चीज़ों से बचाया है वरना यार व्हाट आर दी ऑर्ड्स मेरे मोहल्ले मेरे साथ के क्रिकेट खेलने वाले किसी की लाश मिली कोई क्रैकर का बम फाड़ते हुए पकड़ा गया कोई घुटके खा खा के माउथ कैंसर से मर गया साथ के लोग जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था उस माहौल से बचा के रखा ना पेरेंट्स ने हैं भाई वरना कितना आसान है यहाँ पे स्लिप होना कितना आसान है लेकिन बचा के रखा ना तो यार उसका आप रिजल्ट ये दोगे कि आप उनको दो नंबर पैसा खिलाओगे गलत बात है ना तो प्लीज़ मेक अ प्लेज टू योर ठीक है अगर आप अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हो आपको नहीं पता था आपको नहीं अंदाज़ा था कि यार ये इतना बड़ा गुना हो सकता है बट नाउ यू डू तो जैसे ही थोड़े से अच्छे पैसे आ जाएं फाइवर से अच्छी पेमेंट आ जाए क्लाइंट अच्छा पेमेंट दे दे तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीद लो उससे पता है क्या आप अगले को रिस्पेक्ट दोगे जो भी डिज़ाइनर या इंजीनियर बैठा हुआ है ना पैलो आल्टो में या कैलिफोर्निया में या वेरेवर तो उस इंजीनियर की आप सॉर्ट ऑफ इज्जत कर रहे हो यार तुमने अपने दिमाग से अपने अपने इंजीनियर से ये चीज़ प्रिपेयर की ये एक्सेल बनाया एक्सेल के ये फार्मूले बनाए जिससे आज मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है और मेरा कारोबार जहाँ मुझे पूरा पूरा दिन खाते में लगना पड़ता था आज मैं एक क्लिक मारता हूँ खड़क सब आ जाता है तो मेरी प्रोडक्टिविटी दस गुना बढ़ गई है तो यार ये उसकी फीस है ये ऐसे होता है उसने आपको सर्विस दी आपने उसके पैसे दे दिए जिस तरह आप अपने कारोबार में सर्विस के अगेंस्ट पैसे लेते हो चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हो सर्विस देते हो इस तरह उस सॉफ़्टवेयर इंजीनियर ने कितने सालों की मेहनत करके पढ़ाई करके डिज़ाइन करके आपके लिए चीज़ बनाई ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो तो यार उसको 10, 20, 50, 100, 200 डॉलर देने में आप जान जाती है गलत बात कोशिश करें टॉरेंट वॉरेंट से बाहर आएँ ठीक है और नेटफ्लिक्स अपना ले लें बहुत हो गया कज़न के पैसों पे इसी वजह से नेटफ्लिक्स इस मुल्क में आता नहीं है क्योंकि कहते हैं यूज़र ही नहीं है यूज़र तो भरा पड़ा है मनी है तो सब ने देखा है मगर कज़न के अकाउंट से देखा है भाभी के अकाउंट से देखा है ऐसे ही है तो ये ना करें कोशिश करें ठीक है चलें अपना ख्याल रखें हाँ जी नेक्स्ट वन स्टक इन अ कंडीशन सार को भाई आई एम ए बी सी फ्राम अटी इन पाकिस्तान बेसिकली मैं कंडीशन में स्टक हो गया हूँ आई एम ट्वेंटी थ्री आई एम अ टॉप रेटेड फ्री लैंसर ऑन फाइवर अलहमदुल्ला अर्निंग अराउंड फाइव टू एट थाउजेंड डॉलर अ मंथ माशा आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल प्लस आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली वीगो वाली फैमिली होती है ना जिसके पीछे दो गार्ड्स होते हैं यानी खुला पैसा ओके गुड फॉर यू सो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम आफ्टर द यूनिवर्सिटी फिनिश्ड एज यू नो सब घर वालों की यही जल्दी होती है कि स्टडी पूरी हो गई है अब रिश्ता करवाओ सो द गर्ल्ड आ लाइक उसके रिश्ते आने स्टार्ट हो गए हैं और उसके घर वालों ने भी देखना स्टार्ट कर दिया है सो so, उसकी एक कज़न का रिश्ता आया जो कि पंद्रह साल उससे पड़ा था बाहर से आया हुआ लौंडा वो नो कह देती हैं एज एज डिफरेंस काफ़ी है देन आफ्टर अ मंथ शी गॉट कॉट बाय हर भाभी जब वो मुझसे बात कर रही थी और वो फिर मेरे बारे में बता देती हैं कि शी लाइक्स मी नाउ द रियल स्टोरी बिगेंस उसमें मेरा उससे रब्ता ख़त्म हो जाता है फॉर फोर मंथ्स ऑलमोस्ट बट आफ्टर फोर मंथ्स शी कॉन्टैक्ट्स मी थ्रू हर फ्रेंड्स नंबर एंड आस्क मी के रिश्ता भेजो सो so मैं घर में बात करता हूँ और अम्मी कहती हैं ओके सो अम्मी कॉल करती हैं फिर बार कॉल उठा लेती हैं कुछ देर बात होती है कहती हैं सोच कर बताती हूँ आप मुझे कुछ दिन दें यानी उनकी लड़की की अम्मी अम्मी फिर कॉल करती हैं दस दिन के बाद आगे से उसका भाई फ़ोन उठाता है और कहता है हमने रिश्ता नहीं करना सो वी स्टॉप कॉलिंग देम फिर चार महीने बाद उनसे राबता नहीं करते एज डे सेट कि आइंदा कॉल ना करना और वो चार महीने हर तरह से रिश्ता करने की तैयारी करते हैं मगर लड़की का रिश्ता नहीं होता है। अच्छा कहीं और रीज़न उसके भाई ने किसी लड़की को भगाकर खुद शादी की है सो so जब भी किसी फैमिली से बातचीत होती है और ये बात पता लगती है तो वो आगे से ना कर देते हैं और मैंने घर वालों को बात इस बारे में बताया तो उनको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं बस लड़का लड़की आपस में खुश रहें यह मैटर करता है विच इज़ गड देन आफ्टर फोर मंथ हाँ वही वाली बात ना भाभी ने कुछ भी किया अब उसका हिस्से क्या लेना देना बात सही है अच्छी बात है देन आफ्टर फोर मर्थ अच्छा आपका हर चीज़ चार महीने बाद ही होती है ये सही चल रहा है वो कॉल करते हैं कि आएँ और आके हमसे मिलें फिर हम सोचे गए कि रिश्ता करना है या नहीं नहीं आप आए हमसे मिलें फिर हम सोचेंगे कि रिश्ता करना है या नहीं विद अ वेरी रूट टोन एज आई बिलोंग टू हाई क्लास फैमिली एंड शी बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास और जितना मैं मंथली अर्न करता हूँ वो लोगों का ड्रीम होता है कि बड़ा आदमी बनकर कितने इतने कमाऊँगा अच्छा बेटा इस तरह की बातें नहीं करते मकरूर वाली बातें ठीक है ना सबका अपना अपना नसीब सो so, जब वो जब भी बात होती है सिर्फ यही बात करते हैं कि हम सोचेंगे और फिर रिश्ता देंगे मेरी फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई मेरी फैमिली अब कहती है कि जैसे हम हैं और जितना को सेटल ऑन कर सकते हैं तो पास आना चाहिए बेटा हमारे घर से शादी करो हैं क्या बोल रहे हो वो आगे से ऐसे शो करते हैं कि तुम तो कोई चीज़ नहीं हो अच्छा एज देर आर मेनी गर्ल्स इन माई फैमिली जो बस इस उम्मीद में हैं कि बस मैं हाँ कर दूँ और वो रिश्ता कर दें सो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ देखें भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल जहाँ आपकी इज्जत ना हो तो ना तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगलों की फैमिली जो है ना लड़की की फैमिली वो आपको स्टॉल कर रही है आपको एक बैकअप प्लान ऐसा होता है ना बैकअप में लटका के रखा हुआ है ताकि शायद कोई अच्छा आ जाए शायद कोई अच्छा आ जाए अमेरिका का आ जाए कैन कनेडा का आ जाए ऑस्ट्रेलिया का आ जाए ठीक है तो आप हो बैकअप प्लान अब वो क्यों नहीं करना चाह रहे आपसे अब आप कह रहे हो जी आपके वीगो के पीछे दो गार्ड भी हैं और आप बकौल आपके के जी हम हाई क्लास के हैं और वो लोअर मिडिल क्लास तो क्लियरली उनको उनकी शायद प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें ना हो ठीक है ना तो अगर आप इस तरह वे कर रहे हो कि जी हम पैसे वाले क्यों नहीं हाँ कर रहे तो जी सबका टारगेट पैसा नहीं होता शायद उनका कुछ और हो या शायद वो कोई और चीज़ देखना चाह रहे हो या शायद कोई ज़ात पात का चक्कर हो अब आई डोंट नो इसमें क्या हो सकता है आ, लेकिन ये कि क्लियरली आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो तो भैया ऐसी जगह वो अपनी सेल्फ़ इस्टीम से बढ़ कर सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई चीज़ होती नहीं है आपको इतना लड़का है मैं आपके जज्बात की बिल्कुल क़दर करता हूँ और जो बिटिया रानी है वो भी दिल से मोहब्बत करती होंगी लेकिन अब क्या करें उनके घर देख वही वाली बात है कि ना शादी दो घरों दो घरों की होती दो ख़ानदानों की शादी होती है दो इंसानों की नहीं होती तो आप कर भी लेंगे ना लेकिन आपकी अम्मी के दिल में फिर ये रहेगा कि इन्होंने हमें बड़े नखरे किए थे और लड़की ना देने पे हमें साल साल रुलाया था तो वो एक चुपकली एक रहेगी फिर वो अपनी होता यही है कि फिर सासें जो हैं अपनी ये सड़न जो है फिर बहू पे निकालती हैं ऐसा ही है भाई उससे फिर चेक चेक होगी आपके घर का माहौल ख़राब होगा तो जहाँ पे चीज़ें हंड्रेड परसेंट ओके ना हो ना तो फिर वहाँ पर थोड़ा ऑफ सीन हो जाता है जब सारे राज़ी हो ना वो कहते हैं ना लड़का लड़की नहीं अम्मी अबू को भी राज़ी करना होता है वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं ऐसे ही है ना लड़का लड़की नहीं अम्मी अबू भी पसंद करते हैं एक दूसरे अम्मी अबू को वो राहुल सुब्रमण्यम बहुत अच्छा दोस्त है तो उनकी वो यही कहते हैं ना कि अरेंज द डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज व्हेन योर पेरेंट्स हैव अ बोनर फॉर हर पेरेंट्स यू नो जब वो पसंद करें एक दूसरे को तो अब क्लियरली यहाँ पे वो थोड़ा सा वो है इस तरह का अगर वो रूड हैं और बदतमीज़ी की है तो आपकी अम्मी शायद आपकी खातिर हाँ कर दें लेकिन उनके दिल में हमेशा वो बात रहेगी और फिर वो बात कहीं ना कहीं से निकल ही आती है बातें छुपती नहीं है चेहरों पे आया होती हैं तो अगर आपकी फैमिली देखिए आपके प्यार से बढ़ के ना आपकी फ़ैमिली की इज़्ज़त होनी चाहिए आपके जज्बात अपनी जगह लेकिन अगर कोई आपकी मदर की फ़ादर की आपके पेरेंट्स हो गए फैमिली की इज्जत नहीं कर रहे उनको इस तरह रूट तरीके से बात कर रहे हैं और नहीं घास डाल रहे तो खली वली दुनिया भरी पड़ी है भाई आपने बोला मेरी कज़न्स बैठी हैं लाइन से तो उन्हीं को बिठा लें वी को घोटाले में हैं भाई जो आना चाह रही उन्हीं को बिठा लें खुशी खुशी लेकिन आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए भाई ये नहीं कि वो चाह रही थी तो मैंने कर ली सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए कि चलो वो चाह रही थी तो मैंने कर ली खुद भी चाहो किसी को दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो फिर ये फिर यही होता है कि भाई मेरे पास तो बहुत थी मैंने तुमसे कर ली फिर ये वाली बातें होती हैं तो ये ना करना आर ठीक है चलो ख्याल रखो haji next one, your patron, a young lost swag need thoughts from your swag family. dear mr. and mrs. akram bracket, maybe you will read this email alone since now you've left uk. yes, i have. sadly, greetings may my email reach you in great health and spirits. first and foremost, i want to wholeheartedly thank you for entertaining us, but most importantly, i want to thank you for being a voice for the people and having the ability to share the truth in a unique manner. thank you. मे इट लॉन्ग एकोज आई रिमेंबर फॉलोइंग योर वीडियोज़ बैक इोर यू ए डेज एंड इट हैज़ बिन अ जर्नी विटनेसिंग योर सक्सेस एंड इट गिवस मी इमिन्स हैप्पीनेस इन शेयरिंग योर जर्नी इन अ वे थैंक यू कमिंग टू द रीज़न वाई एम राइटिंग दिस ई मेल आई हैव टू एडमिट दैट इट टुक मी मोर देन अयर टू गैदर द करेज टू राइट दिस ई मेल यार आप देखो अगले ने एक साल हिम्मत करके फिर लिखी है और खुदा न खासा करी मेरी नजरों से उजल हो जाती है मुझे कितना बुरा फील होता आई एम श्योर आई एम वेडी श्योर सात हज़ार पाँच सौ बासठ ई मेल्स हैं आई ट्राई माई बेस्ट यार मैं क्या करूँ मैं फिर चार लोग लगा दूँ इस पर मगर फिर वही वाली बात है सीक्रेसी और uh, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी डिस्प्रेशन uh, में ई मेल की होगी एंड देन लाइक आई जस्ट कुर कम क्लोज टू इट बिकॉज द पेस इज सो फास्ट ऑफ ई मेल्स कमिंग इन इट्स लाइक जो जो सुन रहे हैं और जिनकी ई मेल नहीं आ सकी i will try not to drain you while you read this long email the reason is simple my dearest father is manipulating controlling and self-centered person i honestly believe the majority of the problems are created by him if you still have the energy continue with the problem Haan, of course man no worries background my story begins in azad kashmir mirpur i'm not proud of mirpuris i'm sure you must have come across many in the uk i'm not going to say anything but you abdul ghudi my father moved to Hong Kong some thirty years ago, and he settled here after his arrival. He managed to settle here through a sponsorship visa from one of his relatives. I moved to Hong Kong with my mom in uh, to join my father in the early two thousands. I obtained all of my formal education in Hong Kong. I am now twenty two, and I recently graduated with honors from the City University, uh, majoring in materials engineering. Nice. Currently, I'm working as an assistant quality engineer at. Uh, a giant French construction company. That's very nice. Yeah, but like how is construction happening in Hong Kong considering it's already packed? But the Hong Kong full is full construction rahi hai? it's amazing. Uh, the problem. I live in a family of five two younger brothers aged 19 and 16, and my parents who are under 50 years of age. My dearest father is a driver in Hong Kong. I do not deny that whatever I have accomplished today, huge credit goes to him. Uh, in terms of his parenting however i have grown to despise him over the years my father is an abusive husband who not only verbally abuses my mother's side of the family but also physically and mentally abuses her he believes that a wife should also should always submit to her husband and do as he says my mother does follow and obey him however he makes issues out of very meaningless things for instance he asked my mom to call his brother to tell him to do certain things. That is just basically him wanting to control others' lives. Another, another example can be if my mom says something as a joke, he can't take it and turns it into an argument which turns into verbal and physically abusive behaviors. इट्स इट्स वेरी सैड अगर एक uh, इंसान अपने इस पाउस से मजाक भी ना कर सके बिकॉज आई फर्मली बिलीव और मैं आई कीप सेंग इट के मोर देन लव दे शुड बी फ्रेंडशिप इन 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 अ कपल फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अगले उसको अपना दोस्त ही कंसिडर नहीं करोगे तो देन देन वॉट्स द पॉइंट लव तो बाद की चीज़ है पहले तो पहले फ्रेंडशिप होती है ना भाई फिर प्यार होता है ना या पहले ही प्यार हो जाता है यहाँ तो सबको पहले ही हो जाता है But friendship is not good. Moreover, his problem with me is that I do not share my feelings with him. The reason I've been very reserved with him is that he always implements his ideas and manipulates. Another reason I began to hate my dearest father is that two years back when I was 20, I met a fellow Pakistani during my volunteering trip in a foreign country we develop feelings for each other. we decided upon flying back to our respective countries. we will tell her parents regarding our situation. so i did share with this, with my father, and my father was on a fast pace as he wanted to quickly talk to the girl, and then her parents. i began to hate my uh, father. i would suggest uh, you can say despise him or resent. Resentment a resentment. hate, is a very, very strong word. hate means hate, very strong word. रिजेंटमेंट हो सकती हैं क्योंकि मोहब्बत भी तो है ना आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि उनकी बदौलत आपने इतनी अच्छी जगह पढ़ाई की तालीम हासिल की तरबियत की उन्होंने आपकी तो हाँ कुछ चीज़ों पे आप रिजेंटमेंट डिसएग्रीमेंट्स ये वाले वर्ड्स यूज़ करें हेट बहुत स्ट्रांग वर्ड होता है हेट नहीं यूज़ किसी के लिए भी नहीं यूज़ किया करें ठीक है हाउ एवर इट टेक्स टाइम फॉर द गर्ल्स इन अर सोसाइटी टू टॉक अबाउट सच थिंग्स दैट दे वॉन्ट टू मैरी अ सर्टन पर्सन विद देर पेरेंट्स माई फादर टॉर्चर्ड मी मैंटली बाई गिविंग मी डेड लाइन अच्छा इनको लड़की पसंद आई एक फ़ॉरन ट्रिप पर यूनिवर्सिटी का वो जो होता है और तो इनके फादर ने इन पर वो लगा दी डेड लाइन दे दी कि जी इस तारीख तक वहाँ से बात आ जाए वो लड़की जाहिर है हर कोई तो घर में इस तरह नहीं बात कर सकता ना शादी की खास तौर पर जब आप पढ़ रहे हो

लोगों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ, कुछ को लगता है कि शायद उनको ज़िंदगी में उतना नहीं मिला या उनको इतनी अथॉरिटी के चांसेस नहीं मिले या फिर जहाँ वो काम कर रहे होते हैं वहाँ दबे हुए होते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं तो निकालना तो फिर वो घर आके बॉस पना करते हैं ऐसा ही है भाई ऑफिसों में दबे हुए हैं वहाँ गालियाँ सुन रहे हो फिर वो यहाँ आके निकाल रहे हैं तो बॉस बनने का होता है तो हाँ ऐसे बिल्कुल लोग होते हैं आई कैन थिंक ऑफ अ पर्सन इन माई फैमिली लाइक दैट Eventually, his given deadline day arrived and he forced me to block this girl, whom I so dearly love and I still do. My father said to me, Either you block her or leave the house. I honestly had no choice as I was in my third year of university and I did not want to leave my two younger brothers and my mother with a tyrant. I had foreseen this happening, that's why I kept two phones with myself. Smart move. So that when the day comes when he will force me to block her, I will do it on one phone. यू सी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मेक्स कनिंग किड्स आई नेवर वॉन्टेड टू हाइड थिंग्स फ्रॉम देम बट आई ट्राई नॉट टू फील गिल्टी एनी मोर। वही वाली हमेशा ही बोलता हूँ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो है ना शातिर बच्चे पैदा करते हैं बच्चे रास्ता निकाल लेते हैं इसीलिए फ्रेंडशिप ज़्यादा जरूरी है औलाद के साथ ताकि बच्चा कुछ भी हो आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील करे जहाँ उसको पता चले भाई याद है इंडियन फिल्मों में वो आके बोलता था कि वो इंस्पेक्टर सक्सेना ने, ने माल पकड़वा दी तो पहला चमाट उसी को ही मारते थे तो हम औलाद के साथ भी ऐसे अगर औलाद आके बताती है कि बाहर हमें अंकल एक तंग कर रहे हैं तो उसी को चमट तू बाहर गया क्यों था अबे खेलने गया था बाहर तो इसलिए फिर बच्चे आपको चीज़ें बताते नहीं और फिर उनके साथ बुरी चीज़ें होती रहती है, होती रहती हैं इन दिन द साइकिल कंटिन्यूस सो अ फ्रेंडशिप विद योर किड्स इवेंचुअली फैमिलीज डिड टॉक ओवर द फ़ोन कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स हाउ ओवर द गर्ल्स आई डिड नॉट लाइक माई डैड्स पर्सनैलिटी एंड माई डैड रियलाइज ही इज मनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग हैं No, they realized uh, he is manipulative and controlling. Hence, they decided to move away from the Rishta talks. But the girl's side never told my father the real reason why they don't want. Which was, of course, related to his personality. Anyway, two years from that, uh, I'm still in touch with my soulmate. soulmate. Wow. And we have no idea how we will make us come together. Because whenever I reopen this topic, when my father, he played the victim card. Moving on to the present, now I'm earning and I would like to be more independent in terms of making decisions or even making my own finance and helping my father with expenses. However, my father yet again forced in some way to give him 80% of my salary, right? So like he wants to control you basically. वो आपके भाई पूरी salary 80% मांग रहा बाप की salary दे दो क्या मतलब ताकि पर कटे रहें इसके और मैं हाथ में रखूँ ये जो है ना हमारे parents करते हैं ना कि अपनी औलाद को freedom नहीं देते वो बड़े भी हो जाते हैं उनको बच्चे बना के रखते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आपके सामने हमारी जो सोसाइटी का बेड़ा गर्क हुआ है उसके पीछे जाहिर है बैड पेरेंटिंग है बहुत बैड पेरेंटिंग है तो वो देखो 80 परसेंट सैलरी जब वो ले लेंगे आपकी तो आपके पास ट्वेंटी परसेंट बचेगा तो ट्वेंटी परसेंट में आप क्या उखाड़ लोगे सो ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू आई वॉन्ट टू डिवाइड माई सैलरी इंटू थ्री पार्ट्स वन सेल्फ एक्सपेंडिचर्स नंबर टू सेविंग्स एंड नंबर थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन एट होम बट माई फादर डिड नॉट लाइक द आइडिया एंड ही स्टार्ट क्राइंग लिटरली एंड सेंग थिंग्स लाइक आई रेज यू एंड पेड फॉर योर ट्यूशन फीस तो भाई पैदा किया था तो देनी थी मतलब आप क्या उससे पैसे मांग रहे हो हिसाब कर रहे हो क्या कि जी तेरे इसलिए साल की फीस है तो अब ला के वापिस कर ये क्या बात हुई आई डिवाइडेड माई सैलरीज विद द फैमिली ऑल दो हि डिड नॉट फोर्सफुली टेक द मनी डिड मेक अ ड्रामा विद माई मोमेंट क्रिएटेड अ टॉक्सिक एनवाइट हैंस फॉर पीस ऑफ माइंड आई हैड टू गिव हिम एटी परसेंट ऑफ माई सैलरी विच इज़ इक्वल टू थ्री लाख पाकिस्तानी पर मंथ तीन लाख पाकिस्तानी ले रहा है बाप भाई वन ऑफ द रीजन माइट बी दैट ही इज़ अफ्रेड आई विल बिकम फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बेसिकली बात सारी ये है हमारे पेरेंट्स जो है ना ख़ास तौर पर माएँ बेटों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटों की शादी तो खूब धूम से करती हैं कि बहू लाऊँगी फिर जब बहू आ जाती है तो फिर माँ को अपनी एग्जिस्टेंस थ्रेटन लगती है कि यार अब ये यहाँ ज़्यादा टाइम गुजारेगा आते ही सलाम करके उस कमरे में निकल जाएगा फिर माँ जो है ना वो समझती कि मेरा बेटा मेरा लखते है जिगर जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया अब वो मेरे हाथ से जा रहा है वो कहीं नहीं जा रहा होता फिर आप इस तरह का बिहेवियर करते हो तो औलाद आपसे दूर भागती है ऐसा ही है भाई वो कहते हैं ना पानी को जितना ज़ोर से पकड़ोगे उतनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है तो आप किसी को ज़्यादा प्यार भी टॉक्सिक होता है भाई समझते नहीं है लोग स्पेस नहीं देते Okay. Solving this problem, I simply laid out three routes to get rid of this problem because this cannot be solved. Call the Hong Kong authorities whenever he's physically abusive. I used to think this is the only way, but now I feel like we should not take this step. Number two, call in someone from the relative who my father would listen to, but I know there is no such person. Grandparents have passed away, and my father and older siblings don't talk to, don't like to talk to him. Father's older siblings. acha. Number three, pack stuff and leave whenever there is a new drama at home. By leaving, I mean leave forever. Whenever he is not at home and when he is gone to work, that is the moment we take the step and live. Yes, I admit this will be hard, but it will be better for the long term future. It may be even beneficial for me and my soulmate. Uh, my current personal favorite. Achha, yeah, this is the um, I have communicated with my mom regarding the th th number, th third plan. However, she is hesitant, whereas both my younger brothers agree to this plan wow they understand this is the only way towards the future of and peace of mind i believe the troubles that we face out in societies are nothing when you have a united and caring family who will always support you and never control you i am confused myself i just entered the industry and making the most of the opportunities provided to me there is this things huge problem at home which needs to be fixed then there is this long distance relationship, and then there is work life, and I'm also thinking of doing masters in the near future. Sometimes I just want to leave Hong Kong, and the main reason is my father to start a new life in a place with new surroundings, and of course, a new episode of Ask Ganji Swag. I want to apologize for such a long email. I hope uh, you made it here. I believe the problem of domestic violence is very common in South Asia. Even strict parenting drives the kids away. Yes, that's absolutely what I said. लोग भाग बच्चे भाग जाते हैं बच्चे बददिल हैं बद दिल हुए मैं आपको मैं बता नहीं सकता कितने पंद्रह पंद्रह साल के बच्चों की और चौदह चौदह साल के बच्चों की ईमेल्स आई हुई थी तंग आए मैं अपने माँ बाप से लेकिन माँ बाप समझते कि भाई अब बच्चे आगे से बोलते नहीं है तो वो समझते जी तमीज़ के दायरे में लेकिन फिर बच्चे ना एक ही बार फटते हैं ऐसा ही है बच्चे में बहुत सब्र होता है लेकिन जब वो एक बार फटते हैं ना तो वो फिर बहुत देर हो जाती है ये मोमेंट नहीं आना चाहिए किसी की लाइफ में पेरेंट्स समझते हैं नहीं वो समझते हैं कि यार जिस तरह अब जैसे मेरा बेटा अठारह महीने का ना अभी मैं उसको कंट्रोल करता हूँ क्योंकि वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता उसकी पॉटी भी मैंने धोनी है उसका खाना भी बनाना है मेरी बेगम हंसरी होगी मैं कुछ नहीं करता से आई ट्राई टू टून आई कैन सही तो लाइक वो डिपेंडेंट है तो हम समझते हैं कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वो वही है हालांकि वो नहीं वो आउट ग्रो कर जाएगा दे विल बी अपॉइंट मेड माई एल्डर किड्स वो अपना नाश्ता ख़ुद बना के स्कूल भी चले जाते हैं पता भी नहीं होता हम लोगों को ऐसा है इतने इंडिपेंडेंट हैं राइट मगर वो फिर हम क्या सोचते हैं कि जी वो ऐसा ही है तो ऐसा नहीं होता किड्स आउट ग्रो अच्छा आई हम होपिंग द नेक्स्ट जनरेशन लर्न टू रिस्पेक्ट अ वूमेन एंड एंड्स डोमेस्टिक वायलेंस द सक्सेस ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय हाउ वेल आर इट्स वेमेन बींग ट्रीटेड एंड आई होप वी लर्न दैट दैट्स सच अ गुड लाइन दैट शू सेट थैंक यू सो मच आई होप यू कैन मैनेज योर टाइम एंड विल बी ए ग्रेट इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स और इवन मोटिवेट मी ऑन हाउ आई कैन हेल्प माई सेल्फ And my family get out of this unfortunate situation. I believe it will all also make your followers realize that even living in the best cities won't help if your mindset is not changing. My prayers are with you and your family. May Allah keep you close. Um, my greetings to Mini Swag and your Swag wife. Hope our paths will cross one day. Much love. Take. Thank you. Thank you so much. I would love to come to Hong Kong. It's It's been one of my favorite places to, to visit, Kowloon City and all. Um, सो so, आपने सुनी काफ़ी लंबी ईमेल थी विच इज़ आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट लंबी एज लॉन्ग एज पॉइंट से अक्रॉस हुआ आप uh, क्लियरली बेटा आपके जो फ़ादर हैं वो दूसरे टाइम के हैं वो ड्राइवर हैं और अब जहाँ से उनका ताल्लुक है वहाँ अक्सर लोगों की सोच इसी तरह की होती है कि जी औरत को सिर्फ फिफ्टी परसेंट रिस्पेक्ट देनी है लेकिन लेनी हंड्रेड है दुनिया अब उस तरह नहीं चलती अब गिव एंड टेक पे चलती क्योंकि अब औरतें हो गई हैं पढ़ी लिखी पहले होता था, था औरतें फाइनेंशली um, डिपेंडेंट है आप पे तो आप उनको जितना भी लित्र पोला करो उन्होंने कहीं जाना ही नहीं है चार बच्चे पांच बच्चे लेके कहाँ जाएगी ना उसके पास डिग्री ना कोई महारत ना कोई स्किल और माँ बाप ने भी बोला था कि पुत्र मर के ही बाहर आना तो उसके पास शी हैड नो वे टू गो सो आप उसको फिफ्टी क्या ट्वेंटी फाइव परसेंट भी रिस्पेक्ट दो उसके पास वो कहते हैं ना बैगर्स आर नॉट चूजर्स तो अब औरतों का सीन हो गया चेंज ना देर नॉट बैगर्स अब वो पढ़ी लिखी हो गई हैं और वक्त ने सोशल मीडिया ने मीडिया uh, ने अब इसको आप मीडिया का प्रॉपर गेंडा या कुछ भी कहें लेकिन औरतों को अकल आ गई है विच इज़ गड और जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि कोई भी सोसाइटी जो है वो मेजर इस तरह होती है कि उसकी औरतों किस तरह उसके कमज़ोर तबके को कि किस तरह ट्रीट किया जाता है बच्चे हो गए बूढ़े हो गए और औरतें हो गई आप मवाजना कर लें दुनिया में जिन मुल्कों में सुकून है वहाँ पे ये लोगों के अब आप बोलोगे जी वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं अब रेप रिपोर्ट हो जाते हैं इसलिए आपको लगता है ज़्यादा यहाँ रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि थाने वाले वे यार मेरे अपने दोस्त हैं एस एच हैं बताऊँगा नहीं कहाँ के वो कहते हैं जी रे रेपिस्ट और जो विक्टम है एक ही गाड़ी में बिठा के थाने वो कोर्ट लेके जाते हैं एक ही गाड़ी में सोचो कितना ट्रामाटाइजिंग सिचुएशन होती है कि लाइक यू गॉन थ्रू रेप पहले ही इतना ट्रामाटाइजिंग फिर आप उस बंदे को देखना भी नहीं चाहोगे और एक ही गाड़ी में बिठा के अब आपको कोर्ट में लेके जा रहे हैं या आपको एग्जामिनेशन के लिए अरे भाई कोई सेंस ही नहीं है यार यहाँ पे खैर तो इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको लगता है कि जी यहाँ होते ही नहीं है वेस्ट में होते हैं वहाँ पे अमेरिका में हर क्या सत्रह सेकंड में एक रेप होता है वो इसलिए होता है उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं रिपोर्ट करूँगी मुझे अदालत मुझे इंसाफ़ देगी और वहाँ मिलता है वो माशे इंसाफ पे खड़े खैर चढ़ें छुड़े कोई और बात हो गई सो येस योर फादर जो है आपके जो बेटा वाले साहब हैं वो बहुत गुजरे हुए जमानों के हैं एंड आई एम ग्लैड यू मेड इट आउट ऑफ दैट थिंकिंग प्रोसेस और वो ज़ाहिर है आपको कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल ही इसी चीज़ में है कि आप लोग हाथ में रहें क्योंकि वही वाली बात जो मैंने कही ना कि वो पेरेंट्स के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ये बच्चे बड़े हो गए क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग अपनी ओल्ड uh, एज के लिए नहीं कमाते हम लोग अपने लिए ही कमाते हैं और फिर हमने फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना होता है अपनी औलाद पे तो वो रिजेंटमेंट एक आती रहती है रिजेंटमेंट कह रहा हूँ सॉरी गलती के वो एक इनसिक्योरिटी जनरेट करती है कि यार फिर हम हमें कौन पालेगा हमने तो इनको पाल लिया और ये शादियाँ करके आगे निकल जाएंगे हमें कौन पालेगा तो उस बैटल में मैं आपको मजाक नहीं कर रहा आप में से कुछ लोग अग्री करेंगे भाई ऐसा आपने देखा है कुछ माएँ जानबूझ के अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करवा रही होती अगर तो बेटी है इसलिए नहीं करवा रही होती कि ये चली गई मुझे कौन पालेगा और अगर बेटा है तो वो इन की बीवी आ जाएगी तो मैं डिवाइड हो जाऊँगी मेरी मोहब्बत डिवाइड हो जाएगी तो मैं नहीं करना चाहती मेरी ज़िंदगी में इतनी मिसाल है ऐसे लोगों की माएँ खराब करती हैं केसेस तो इसी तरह आपके फालद साहब आपके केस ख़राब किए जा रहे हैं ताकि जो सैलरी का एट्टी परसेंट उन्हीं की बात आ रहा है ज़ाहिर बीवी आएगी तो उधर भी जाएगा ना शेयर तो वो शेयर करवाना ही नहीं चाह रहे वो अपनी इनसिक्योरिटी और वो जो आपसे ये जो तीन तीन लाख रुपये महीना ले रहे हैं ये अपना ओल्ड एज का एहतमाम कर रहे हैं अभी जो आपने मुझे बताया कि फिर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस भी है और फिर यू हैव फीलिंग्स फ़ॉर द लेडी और ये ख़राब कर रहे हैं सिचुएशन अभी जो आपने तीन रूट बताया कि एक तो भाई हॉन्ग अथॉरिटीज़ को अपने बाप पर पुलिस बुलवा लें नेक्स्ट टाइम वो फिज़िकली ये चीज़ आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उससे फिर इंसान फिर चेक में रहता है एक बार रिकॉर्ड आ जाता है ना तो फिर ज़ाहिर है व्हेन यू हैव when you have a fear of losing your job or losing the passport or losing these things तो फिर आप in check रहते हो आ, आपकी मदर को उन्होंने इतना manipulate करके रखा कि उन्होंने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि यार मैं ये नाइन वन वन दबाऊंगी तो दो मिनट में पुलिस आएगी और मैं सिक्योर्ड होंगी मेरे बच्चे सिक्योर्ड होंगे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस उन्होंने आने ही नहीं दिया हालांकि ये चीज़ उनको बीस साल पहले कर देनी चाहिए थी आप लोग शायद इतना ट्रामाटाइज ना रहते तो उन पर अगर आपने पुलिस बुला ली नो हाउ दैट विल गो दूसरा आपने जो दूसरा जो ऑप्शन है ना किसी बड़े रिलेटिव को तो वो रिलेटिव की बात नहीं सुनेंगे रिश्तेदारों की बात वो नहीं मानेंगे मानने वाले होते तो बहुत सी बातें मान गए होते आपके फादर बहुत सी नेचर के हैं उनको अपना अपनी चलाने अपनी चलाते हैं तो वो उनको वो वाली आदत है तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे किसी रिलेटिव की तीसरा जो आपने कहा ना कि अब्बा काम पर गए हुए और सारा पैकअप करके निकल लिए पीछे से यार आई नो मैन उनकी तो पैरों तरह ज़मीन निकल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे वो आपके फ़ादर हैं सोचो आप घर आए आपकी पूरी फैमिली गायब है छोड़ के चले गए यार वो दिल पे ले लेंगे वो खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का सिचुएशन हो गई क्योंकि आई I मीन mean, मैं भी बाप हूँ यार आप भी बाप हैं तो वो फीलिंग जो है ना आई एम श्योर वो आपसे मोहब्बत भी करते होंगे कुछ लोग ना हमारे यहाँ एक तो ये है ना कि मोहब्ब कहते जी मार में मोहब्बत है अब ये वाली सोच वाले ना वो समझते हैं कि वो मोहब्बत कर रहे हैं माँ को मार रहे हैं तो जी बीवी को मार रहे हैं तो जी मैं मोहब्बत का एक एक्सप्रेशन है मेरा ये फजूल चीज़ है तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं प्यार भी होगा आपके लिए और डर भी ये है इनसिक्योरिटी है इसलिए है ना तो, क्योंकि एक प्यारी चीज़ हाथ से ना चली जाए मगर वही टू मच ऑफ एनी थिंग इज टॉक्सिस तो ये वाला जो होगा ना सरप्राइज ये यार वो वो ये बहुत ट्रामेटाइजिंग होगा फिर लाइक विल यू बी एबल टू लिव विद योर सेल्फ लाइक दैट कि आप लोग जहाज़ पकड़ के कहीं निकल गए तीसरी तीसरे मुल्क में फ़िल्पाइन चले गए कहीं भी चले गए लाइक विल यू बी एबल टू लाइक फॉर हाउ लॉन्ग चलो आप बच्चे तो कर लोगे कोप अप आप. आपकी मदर का क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द ओनली पर्सन शी नोज एंड दैट्स द ओनली पर्सन दैट्स दी ओनली गो टू पर्सन राइट वो शायद वक्ती तौर पे ओके हो लेकिन एक पॉइंट के बाद उनकी भी फिर ममता प्यार जागेगा ऐसे ही है भाई क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा ना माँ बाप जो हैं मोहब्बत में नहीं रहते आदत में रहते हैं एक साथ आदत हुई हुई एक दूसरे की चालीस साल पहले नसीमा मेरे मत्थे मारती थी अब हम साथ ही रहते हैं बगैर लड़ते भी रहते लेकिन गुजारा भी नहीं है ऐसा ही है अगर अम्मियाँ कहीं जाती हैं पंजाब वंजाब गई अब्बा का गुजारा नहीं होता और जब आती तो लड़ रहे होते हैं नहीं चाहिए तो ये है आदतन साथ रहते हैं तो उनको भी तो आदत हुई भी होगी मैं ये नहीं कह रहा कि मार खाने की कोई आदत हुई भी होगी और अच्छी चीज़ है मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो उनके लिए अनफेयर होगा आई डोंट नो मैन कि वो क्या फ़ील कर रही हैं आपने अपनी फीलिंग्स तो मुझे बता दी आपकी मदर क्या फ़ील कर रही हैं मुझे या, ये क्लैरिटी नहीं है वक्ती तौर तो पे तो शायद ये एक्साइटिंग हो कि हाँ चलो छोड़ छाड़ के हम चले खैर हॉन्गकॉन्ग तो बहुत छोटा है वहाँ तो आप कहीं भी जाएँ तो आप फ़ौरन पकड़े जाएंगे बहुत ही छोटा है हांगकॉन्ग अगर आप दूसरे मुल्क का कह रहे हैं तो शायद आप बच्चे कोप uh, अप कर जाओ मगर आपकी मदर शायद ये कोप अप ना कर पाए मैं आपको यही मशवरा दूंगा चौथा मशवरा जो तीन है ना इसमें से चौथा ये है कि आप सीधा सीधा उनको बिठा के बोलें कि भाई अब मैं हो गया हूँ बड़ा और मैं अपने फैसले कर सकता हूँ आइंदा अगर ये किया तो मैं पुलिस बुला लूँगा या हम घर छोड़ के चले जाएंगे उनके कान में डाल दो कि ये हमने प्लान कर लिया है कब तक घर में रहोगे कहीं कभी तो जाएंगे ना काम करने कहीं ऐसा ना हो एक दिन आ पाए और हम यहाँ ना मिलें आप लेकिन फिर ऐसा बोलोगे आपके पासपोर्ट को गायब कर दिए तो ये भी हो सकता है मगर ये कि कोई ना कोई थ्रेट उनको आप मैन आई से थ्रेट आई मीन टू से लाइक पोटे इन चेक ठीक है ना एक लाइन ड्रॉ करो कि भाई अब बहुत हो गया ये ये चीज़ें हैं दिस इज हाउ आई फील वी हैव सफर्ड अ लॉट एंड मैन आई से वी आई मीन ऑल ऑफ अस और मैं उन सब की तरफ से कह रहा हूँ आपसे बींग सो ये ये है इफ़ यू कैन मैंड योर वेस विच आई नो ही विल नॉट क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी ऑलरेडी डिफाइन हो गई है इस मामले में कुछ लोग शायद मुझे कहें पैसे मिस्टेक लेकिन यार देखें दुनिया देखिए लोग नहीं बदलते किसी की वजह से जो इंसान होता है वो फितरत एक बंदे की है पिछले साठ साल से आप आग उसको आगे क्या ट्विक कर लोगे वक्ती तौर पर वो शायद किसी थ्रेड में आ जाएंगे मगर अंदर से इंसान नहीं चेंज होता कभी भी नहीं चेंज होता तो पुलिस बुलाने वाला जो है ना यार अगर अथॉरिटीज़ तक बात गई ना तो फिर दस चीज़ें और खुलेंगी और खुदा खास उनको जेल में ही ना डाल दे उनका करियर बिल्कुल ही जॉब चली गई या कुछ भी हो गया डिपोर्ट कर दिया तो फिर वो आप लोग बड़े मसलों में फंस जाओगे खैर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आई एम नॉट एडवाइजिंग कि ऐसी सिचुएशन है तो पुलिस को कभी भी ना बुलाएँ खुदा ना खास तक खुदा ना खास अगर बात हद से आगे बढ़े हमेशा अथॉरिटीज़ को बताएं मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इतना ना हो और उसकी सजा कभी कभी होता है ना कि इतना बड़ा केस होता नहीं है मगर उसकी सज़ा बहुत वो पनिशमेंट डोंट सीम टू तो फिट द क्राइम एरो स्मिथ की लाइन है एक गाने की जो इज़ अ होल इन माइस सोल गाने का नाम है तो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बात थी नहीं और पुलिस आई और चूँकि पुलिस आ गई और बात बढ़ गई मैं ये भी नहीं चाह रहा कंसिडरिंग आप सबकी सिचुएशन हॉगकॉन्ग में क्या होता है बच्चे ले लेते नहीं ले लेते ये भी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी भाई क्योंकि वो देखते हैं अगर बच्चे डेंजरस एनवायरनमेंट में लेकिन आपने जो एजेस बताई हैं आई थिंक देर एडल्ट्स तो शायद वो ना लें मगर थ्रेट जरूर दें कि यार हम पुलिस बुला लेंगे बहुत हो गया ऐसे कर लें आप बुलाएं नहीं थ्रेट दे दें देखें इफ़ इफ द थ्रेड वर्क्स और उनको ये बता दें कि हमारा यहाँ गुजारा नहीं है आपके साथ आप अकेले ही फिर रहे हैं और हम हम नहीं कर सकते उनको कम्युनिकेट कर दें शायद दिल में आ जाए ख्याल शायद आ जाए बट गायब हो जाना अचानक um, नहीं साउंडस फ़नी यू नो मतलब लाइक like, सोचे एक, एक शख्स घर आया और घर वाले सारे चले गए छोड़ के ही चले गए इट्स लाइक like, आप एक किश्ती में थे एक साथ और एक आप रात में छोटी वाली किश्ती निकाल के शिप में से और आप कट लिए सोमालिया की तरफ बंदा देखता ही रह गया दैट कुड बी वेरी डेटरीमेंटल कहीं ख़ुदा ना खास था कोई नर्वस ब्रेक डाउन कोई ब्रेन हैमरेज कोई हार्ट अटैक अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए क्योंकि सडन चीज़ें जो है ना वो फिर है ना ऐसा ही है ना भाई सडन चीज़ें ना जान निकाल देती हैं ये कभी भी मत करना लेकिन उनको थ्रेड दे दो आप डरा दो कि यार अब हम ये सोच रहे हैं शायद हो जाए सही सही है चलो अपना ख्याल रखो एंड कीप मी पोस्टेड थैंक यू बेटा हाँ जी नेक्स्ट वन सांग जुनीत भाई क्विक क्वेश्चन आई एम लुकिंग फॉर द नेम ऑफ द ऐप यू मैं इन वन ऑफ योर वीडियोज़

Uh, पाकिस्तान के मुहाफ़ के नाम से सो वंडरफुल ऐप बहुत हेल्पफुल है बच्चे किडनैप होते हैं उसमें से मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हो खासतौर पर इन कोविड सिचुएशन वो आ, उस वो यूज़र बेस पे है सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने साइन अप किया हुआ मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो नोटिफिकेशन आया था यार कराची में लाकर अस्पताल पर बी पॉजिटिव चाहिए सो so, जितने वी पॉजिटिव हैं सबको जाएगा तो श, मैं शायद और वो ना वालटियर बेसिस पे खुद उठ के जाके ब्लड देंगे इतने लोगों की माशाल्लाह उन्होंने हेल्प की है जितनी भी मुझे ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आती हैं क्वेरीज़ मैं फात भाई को फॉरवर्ड कर देता हूँ माशा विद इन लाइक आवर्स फ्यू आवर्स काम भी हो जाता है तो खुद भी आप डाउनलोड करें मुहाफ़ ऐप तो उन्हीं की ये सर्विस ही कंसियर्ज के नाम से ख़ास तौर तो पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जिनके क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ही होता है स्पेशली इन कोविड टाइम्स के हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान में अकेले हैं अब उनको छोटे मोटे काम होते हैं हर चीज़ के लिए नहीं नीचे जा सकते फ्लैटों में जो रहते हैं या अगर आप एफ़ सेक्टर में रहते हैं हर बार गाड़ी चला के कौन जाए प्लम्बर ढूंढने फलाना ढूंढने या कोई अगर आपको मेडिकल रिलेटेड हेल्प चाहिए फिजियोथेरेपी घर में चाहिए घर में आपको कुछ काम वाम है एरेंट्स हैं छोटे मोटे एलेक्ट्रिशन हैं दस हज़ार काम है तो वो सारे और चूँकि फात भाई का ख़ुद का मिलिट्री बैकग्राउंड है तो वो जितने भी लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं दे आर ऑल मिलिट्री ग्रेड एंड मतलब वो पूरा चेकअप मतलब उनका हुआ हुआ है उस तरह से बैकग्राउंड चेक सॉरी वेरी गुड सर्विस एंड आई थिंक इट्स हंड्रेड ट्वेंटी डॉलर मंथ तो लाइक यू नो अगर आप इतने um, अपने अगर लेट्स ट्वेंटी डॉलर एन आवर तो आपके सिर्फ छः घंटे के काम से अगर आपको महीने भर का पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि यार मेरे पेरेंट्स सेफ हैं कोई उनको टेंशन नहीं है उनका प्लम्बिंग का काम भी हो जाएगा छोटे मोटे काम बाज़ार लाना ले जाना ड्राइवर भी मिल जाएगा मेडिकल स्टाफ भी मिल जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर सब मिल जाएगा तो आपके लिए कितना पीस ऑफ माइंड सर वेरी गुड सर्विस सैडली वो वीडियो मैंने जब बनाई थी बहुत से लोगों ने नहीं देखी आई नो तो मगर इक इट्स अ गुड सर्विस तो जरूर उसको यूज़ कीजिएगा आई हाईली रिकमेंड एंड आई पर्सनली टेक आई पर्सनली वाच फॉर इट क्योंकि फाद बाई इज़ लाइक माई ब्रदर तो मैं, मैं वो चीज़ें बिल्कुल अपने सामने देखी ठीक है थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट वन डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेरेंटिंग आई होप यू डूइंग वेल आई वॉच वॉर आज एपिसोड एंड अप्रिशिएट वॉच यू डूइंग द रीजन फॉर मी टू राइट दिस ई मेल इज टॉक अबाउट पेरेंटिंग डबल स्टैंडर्ड्स एट द स्टार्ट आई थॉट ऑफ सेंडिंग इन ई मेल बट दिस थॉट ऑलवेज केम इन माई माइंड एम आई डिसरिस्पेक्टिंग माई पेरेंट्स नहीं बेटा अगर आप इफ़ यू हैव अ लिजिट कम्प्लेंट सो इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट यूर वॉइसिंग यूर कंसर्नज और हम लोग ना यही सोच के अंदर बंद रहते हैं कि नहीं हमें नहीं बोलना चाहिए हमारे माँ बाप हैं और ये वो है माँ बाप भी इंसान ही होते हैं और इंसानों से भी गलती हो जाती है एंड जस्ट बिकॉज कोई आपसे बड़ा है डजेंट मीन के दे कार्ड मेक मिस्टेक्स बेवकूफ लोग भी तो बड़े होते हैं ये बात याद रखना द थाट ऑफ द फेयर दैट वेदर दिस एक्ट शुड बी कंसिडर एज शेयरिंग प्रॉब्लम्स or am i doing rebirth? no, it's not rebirth. it's like you just leg you have a legit problem that you're sharing. so don't worry about that. so uh, jump starting from an example, whenever my dad comes home and knocks at the door, sometimes it takes a few minutes for me to open the door. as usual, my dad scolds me, which is right in a way, but this doesn't get applied to me. when i come home and knock the door, my brother who's a few meters away in a room playing game comes late intentionally, and if i scold him then, that is my problem. My parents called me for it and says, what if he came late a little bit? But the thing is that, uh, that bothers me the most is my little brother. Brother always talked to me uh, in a disrespectful manner. Like when I say to him, why did you come late? His reply would be, Ha to kya hua, late aaya to kya kaldega. tu kya kar when I complained to my parents, they're like, What happened then? Can't you wait a little? Now, if I do the same thing and reply them back, open the door late, guess what would happen to me then? First, I thought I should change myself. I will talk with them with respect, even if he opens the door late. But guess what happened? One fine August day, I came back from Namaz and knocked the door for more than an hour considering that neighbors would too get irritated so i knocked once every 10 minutes after 40 or 50 minutes my brother came and i didn't even express that from even my face looks uh, that i'm angry but still the thing i want to point out doorbell the thing i want to point out is that uh, if you want me to be kind you have to teach me kindness through your actions very nice change डजेंट कम इंडिविजुअली दिस अपलाइज टू आल पार्ट ऑफ़ द लाइफ एज़ वेल होप टू सी एन आंसर बिल्कुल सही आपने कहा होता अच्छा पहले मैं बता दूँ व्यूअर्स को तो so बेसिकली ये साहब हैं जब अबू दरवाज़ा खट खट आते हैं और ये लेट हो जाते हैं अब उनको डांटते हैं और जब ये इनका दरवाज़ा लेट खोलते हैं इनका छोटा भाई और ये डांटे तो पेरेंट्स इन पर पे चढ़ाई कर देते हैं डबल स्टैंडर्ड और छोटा भाई भी आगे से बदतमीजी करता है ये चीज़ जो है ना बहुत गलत है एंड इट्स वेरी अनफेयर और एक बार तो कह रहे हैं मैं पचास मिनट तक दरवाज़ा खटखटाता रहा किसी ने खोला ही नहीं दैट्स वेरी वेरी साड ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है फिर वो फैमिली से एलिनेटेड हो जाते हैं रहते फिर साथ हैं मजबूरी है और कहाँ जाएंगे लेकिन फिर वो वहाँ रहते नहीं हैं दिल से नहीं रहते मजबूरी में रहते पेरेंट्स जो अक्सर ये गलत गलती करते हैं ना वो जो कंपार्टमेंटलाइज़ कर देना कि ये मेरा अच्छा बच्चा है और ये मेरा बुरा बच्चा है तो फिर उसमें जो है ना वो फिर एक तो सिबलिंग्स में आपस में चिपकलश रिजेंटमेंट आती है और फिर पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के दिल में आती है पेरेंट्स समझते ही नहीं वो कहते हैं ये मेरा प्यारा बच्चा है और ये तो ऐसी बुरा है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों की पर्सनैलिटी फ़ॉर द द वर्स नॉट फॉर द बेटर चेंज करती हैं और फिर वो बच्चे ना बहुत जल्दी ज़िंदगी में सीरियस हो जाते हैं ये भी बड़ा गलत चीज़ है बच्चों को पूरा बचपना एक्सपीरियंस करने दें नहीं तो फिर वही होता है जिस तरह अभी आजकल आप तालिबान की वीडियोज़ देख रहे हैं मैं एक ये छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहूँगा ये जितनी भी अफगानिस्तान से वीडियोस आ रही हैं आपने नोटिस किया कि तालिबान झूला झूल रहे हैं जहाज के पंख से लटक के या फिर जिम में सारे यूं एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं या फिर वो जो डॉजिंग कार होती है वो जो टकराते हैं एक दूसरे से उसको क्या बोलते हैं खेल कूद रहे वजह सम पीपल फाइंड इट फनी आई फाइंड इट एक्सट्रीमली सैड वाई बिकॉज अब तालिबान जैसे भी हैं वो एक बात की बात मगर देर इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन जहाँ पे इन बच्चों से इनकी मासूमियत और इनका बचपना छीना गया है जिस उम्र में इनके हाथ में बैट बॉल हॉकी होना चाहिए था उनके हाथ में दे दी क्लैशन कोफ़ और तस्वीर लगा दी मोदी की के मार गोलियाँ या तस्वीर लगा दी बुश की के मार गोलियाँ और उनके जहन में ये पोल्यूट कर दिया और भर दिया कि बस तुमने पूरी दुनिया पर काबिज़ होना है लोगों को मारना है मतलब बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं कोई हल्का फुल्का ज़ख्म भी आप इंटेंशनी किसी को मारो ना इट्स 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 नॉट गुड और फिर यहाँ तो पूरा बंदा मारने की बात और छोटे छोटे बच्चों के जहन आप इस तरह इस इन बातों से पोल्यूट करते हैं ना तो फिर नतीजा आपके सामने तो जब ये वीडियोस आती ना इनकी तो मुझे बड़ा तर्स आता है कि इट्स नॉट द लाइफ दे चोज़ दे जिस हैपन टू बी एट द रोंग प्लेस एट द रोंग टाइम और गलत लोगों के हाथ लग गए ठीक है अब इस पर बहस आ जाएगी गलत सही गलत पे एनी थिंग डन बाई फोर्स इज़ रॉन्ग इन 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 माई आईज ठीक है ना फोर्स से कुछ भी नहीं करवा सकते आप कुछ भी नहीं करवा सकते तो तो मैम बड़ा अफसोस होता है ये वीडियोस देख के यार इनका बचपना छीना गया इनसे ना इन्होंने कभी बैट बॉल खेला ना इन्होंने कभी कुछ खेला गने पकड़ा दी और बोला चलो जी मारो फटो मरो यही करो तो जब अब इनके हाथ में ये झूले लगे तो बेचारे वो झूले ही झूल रहे हैं हंस रहे हैं तो बचपना छीना गया उनसे तो इसी तरह जिन घरों में इस तरह के माहौल होते हैं ना जहाँ पे डिवाइड किया जाता है जहाँ पे बाकायदा ये चीज़ें बनाई जाती हैं लाइक ये बेटा बेटी में बहुत होता है यार हमारे साथ होता था मुझे कबाब मिलता था बहन को नहीं मिलता था और मैं बहुत फील करता था मैं फिर आधा दे भी दिया करता था मगर ये बस है क्या करें यार कल्चर ही इतना गलत है तो इससे रिजेंटमेंट्स आती हैं फिर बच्चे सीरियस हो जाते हैं फिर तो उनका बचपना कहीं साइड पे चला जाता है और फिर वो आदमी बन जाता है बारह साल का आदमी होता है जिस तरह अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी बेटी सात आठ नौ साल की और फिर आपकी एक और बेबी हो गया तो सारी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी उस पर ना डालें वो वक्त से पहले आप उनको माए बना देते हैं ठीक है छोटे भाई बहन के साथ खेलना भी है केयर भी करनी है मगर हर वक्त भी नहीं पकड़ाना उनका बचपन क्यों खा रहे हो भाई मतलब बेबी सिटर बना दिया एक नौ साल की बच्ची बहन की बेबी सिटिंग कर रही है छोटी या छोटे भाई की उसको आपने उसका उसका बचपना छीन लिया ये भी बहुत गलत चीज़ें लोग करते हैं भाई ख़ुद करो ना खुद पैदा किया तो खुद करें काम पहली वाली भी तो खुद ही पाल ली थी ना दूसरा भी खुद पाल लो तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम इनको कुछ समझते नहीं हंस के टाल देते हैं कि हाँ ये तो बच्चा है ये तो बेवकूफ़ है या हम बच्चों को भी बोलते थे ना बड़े प्यार से ये तो बोंगा है मुझे बोलते थे तो, तो मेरे दादा मरूम बोलते थे मेरे बारे में ये तो बोंगा है बोलता ही नहीं है और अब बोलने के बोलने लेके पैसे लेता हूँ कहते थे ये बोलता नहीं है गूंगा है ये और अब मुझसे ज़्यादा कोई बोलता नहीं है और बोलने के पैसे लेता हूँ मैं दादा अबू अगर आप सुन रहे हैं तो खैर सो या ये रिजर्टमेंट्स आते हैं तो ये नहीं होना चाहिए आपकी कंप्लेन बेटा बिल्कुल सही है आप ये यबत नहीं करें दिस इज़ समथिंग यू फेल्ट एंड यू शेयर्ड एंड आई एम ग्लैड यू डिड और इसमें अब क्या कर सकते हैं अब आपके पेरेंट्स को कौन समझाए आप ही बैठ के समझाओ कि ऐसा ना करें मुझे इतना इस तरह बुरा लग रहा है और छोटों को ख़ासतौर पे देखें एक और चीज़ ये जो पेरेंट्स छोटे बच्चों से बदतमीजियाँ करवाते हैं ना ये बहुत गलत हरकत है आपने अक्सर ये देखी होंगी ये छोटे छोटे बच्चों की वीडियोज़ आ रही होती हैं नवाज़ शरीफ को गालियाँ दे रहे होते हैं यार बच्चे तो बच्चे हैं यार आप बच्चों को किस तरह की चीज़ें सिखा रहे हो लाइक माएँ खासतौर पे बड़ा प्राउड फील है मेरी बच्ची ने कैसी नजम पढ़ी मियाँ साहब को चोर बोल दिया बच्ची को क्या पता मियाँ साहब कौन है बुजदार कौन है ख़ान कौन है मगर आप अपने बच्चों को पोल्यूट करते हैं दिमाग उनके आप ख़राब करते हैं उनको उनके अंदर गंद डालते हैं आप तो और लोग बड़ा खुश देखो मेरे बच्चे ने कैसी नजम पड़ी मियाँ साहब को चोर कह दिया बच्चे के माँ बाप ने क्या उखाड़ लिया मियाँ मियाँ साहब का यूँ आँखों के सामने आपके निकल गए अगर आपकी नज़र में चोर हैं ठीक है आपकी आँखों के सामने निकल गए क्या उखड़ लिया आपने खैर अब ये लंबी डिबेट है पॉलिटिक्स में मैं जाता ही नहीं हूँ तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बच्चों को सलाहानी ट्रीट करना चाहिए फिर बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं और फिर वो आपको मजबूरी में रह रहे होते हैं आप ठीक है चलें जी हाँ जी रात के सवाना हो गए सामान है घर जाके खाना खाने और uh, मुझे भी अब भूख लग रही है सो इस लास्ट ईमेल ठीक है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और यही वो ईमेल थी वो जो मैं पहली ईमेल पे बता रहा था कि आगे एक और ईमेल आएगी दिस इज द वन सलामकुम जुनीत भाई आई बिल लिस्ट टू यू यूर शो फॉर अ वाइल्ड नाउ कीप अप द एक्सिलेंट वर्क आई हैव बिन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर द पास्ट फिफ्टीन ईयर्स I came here as an 18 year old, so now he's 33, as a university student. After graduating and getting a job, soon after I decided to settle here. Now I am married and have a child, mashallah. I'm a Sri Lankan Muslim raised in the Middle East, Gulf. I speak English, Arabic, Urdu, Spanish, and a couple of Sri Lankan languages, all fluently. Very nice. This is the result.

बी यू देख देख के सीख गए क्योंकि बी पे यू फिल्में आती थी हिंदी सब के साथ ठीक है तो वो सुन क्योंकि हमने भी अंग्रेजी कैसे सीखी पल्स ग्लोबल पे जो इंग्लिश वी की जो कंपनी थी उसकी हम कसेट्स लाते थे तो उसमें नीचे उर्दू सब लाते थे और ऊपर इंग्लिश चल रही होती थी तो जब वो शेड बोलता था नीचे लानत लिखा आता था तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट शर्ट का मतलब लानत होता है राइट right? तो और फ्क यू का मतलब ख़बीस तो हम भी स्कूल में फक यू फक यू कर रहे थे कि यार खबीस आदमी हो तुम तो। बाद में पता चला ये कुछ और चीज़ें तो, तो इसी तरह अरबियों ने बी फोर यू पर फिल्में देखी एम बी सी पर फिल्में फ़कत अल एम बी सी पर फिल्में देखी और उस पर सब टाइटल अरबी में पढ़ पढ़ के वो समझ भी ली और हिंदी भी पकड़ ली इसीलिए आजकल वो वो आप देखते हो ना वो अफ़्रीकन अफ़्रीकन लोगों की वीडियोज़ आ रही होती हैं शाहरुख खान बने भी होते हैं देखिए वो वीडियोज़ वो कुछ कुछ होता है कि गाने गा रहे होते हैं अफ्रीकी उसकी क्या वजह पर यार बॉलीवुड इज़ सुपर सुपर पावरफुल इट्स अ फकिंग केस स्टडी मैन और आज से नहीं चालीस पचास साल से बहुत पावर है बॉलीवुड का वो देखे ना वो पिछले दिनों क्या आई थी कॉस्को में अमेरिका में वो बॉलीवुड पर डांस कर रहे थे फ्लैश मॉप करके क्यों क्योंकि वहाँ पे सिख कम्युनिटी ज़्यादा है एक पर्टिकुलर आई थिंक शॉर्ट लेक में कर रहे थे या कहाँ कर रहे थे सिख कम्युनिटी ज़्यादा है तो उनको ग्रैप करने के लिए उन्होंने वो बनाई हाँ सॉरी क्योंकि सीख ओन अलाट ऑफ स्टोर्स अमेरिका में मोटेल्स सबसे ज़्यादा किस नाम से हैं पटेल यू नो दैट पटेल सबसे ज़्यादा सो बिजनेस में भी सीख्स आर लार्जली इन्वॉल्व तो उन और कॉस्को चूँकि वहाँ का इम्तियाज स्टोर समझ लें आप नहीं इम्तियाज स्टोर नहीं मेट्रो समझ लें आप जिस तरह कराची में, में मेट्रो ना होल सेल पर सामान मिलता है कॉस्को में भी बहुत चीप प्राइस पर होल, होल सेल सामान मिलता है तो अब चूँकि सिख कम्यू सिख कम्यूनिटी जो है उनके बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं तो उनको ग्रैप करने के लिए उन्होंने पंजाबी फ्लैश मॉब देखिए यार मार्केटिंग इस तरह होती है उन्होंने नहीं सोचा कि जी हम तो अंग्रेज़ हैं हम इनका क्यों डांस करें वो कहते हैं भाई पैसा आना चाहिए खली बल्ली ये हम ही हैं जिस तरह सोचते हैं कि हम इनका क्यों करें उनका क्यों करें एनी वे सो बॉलीवुड नो डाउट अबाउट इट क्या कल्चरल रेवोल्यूशन यार पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में छाया हुआ बॉलीवुड अमेजिंग खैर सॉरी लंबी बात हो गई सो आम एन प्राउड ऑफ यू दैट यू स्पीक सो मैनी लैंग्वेज मैन आई मूव टू द यू एस मोस्ट ऑफ माई वेरी फर्स्ट फ्रेंड्स फर ऑल पाकिस्तानीज बैड चॉइस सम ऑफ देम आर स्टिल माई फ्रेंड्स एंड मोर लाइक ब्रदर्स दैट्स वेरी गुड नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था मतलब लाइक यू नो सम यार हर तरह के लोग हर जगह होते हैं एंड यू आर वेरी लकी अगर आपके अच्छे दोस्त बन जाए मेरे भी माई बेस्ट फ्रेंड्स इन दो बाई फॉर ऑल पाकिस्तानीज अमेजिंग पीपल सेम गोज फॉर अभी जैसे मैं न्यूयॉर्क गया फहद मिल गया मुझे रैंडमली वी एंडिड अपमिंग सच गुड फ्रेंड्स इसी तरह यूके में आई मेट व वंडरफुल फैमिली इन ऑक्सफर्ड मुस्तफ़ा एंड इज़ वाइफ एंड लवली डॉटर नाम याद है मैं जान के नहीं ले रहा कहीं वही ना समझे नाम भूल गए नहीं नहीं सो लाइक यू नो इट्स इज रियली ग्रेट दैट यू एंड अप running into such wonderful people so yeah however most of my really close friends are still pakistani first as part of a cricket team and then later through networking events i've met many more pakistanis these however are more like acquaintances or friends of friends for the majority of my time knowing these people they've always looked up to me and came to me for an advice or followed any trends i've started we would converse in both english and in urdu However after years once during the cricket world cup i had the jersey uh, of sri lankan national team these guys were confused as to why i wasn't supporting pakistan i told them that's because i'm sri lankan <laughs> they could not believe it they had always assumed that i was a pakistani because i spoke urdu fluently also because i was a muslim and i was light skinned and looked like them of course सारे टिक च कर रहे हो ना आप सारे बॉक्सेस आई हैव टू प्रूव दैट आई वॉज श्रीलंकन थ्रू सम डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर दे फाइनली बॉर्ट इन टू द फैक्ट दैट आई वॉज श्रीलंकन सम ऑफ दीज पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मी चेंजड दे स्ट्रेंजली बिल्टअ अप अ सुपीरियॉरिटी कॉम्पलेक्स एड वुड जोक एंड वुड जोकिंगली मेक सम टेस्टलेस कॉमेंट्स अबाउट श्रीलंकन इंडियंस एंड बांग्लादेशीज They would often subject other nationalities to the same racism and prejudice that they themselves sometimes receive from white Americans. Years have passed, and now I do not have the same free time to socialize in some of these circles, and as I did when I wasn't married. I've lost touch with most of those guys, but still remain friends with few of educated, uh, open-minded ones. When I grew up in the Middle East, around Pakistanis who were born in the Middle East. Uh, i never experienced this type of weird superiority complex it was only until i came to the us also most of these guys who feel like this is mainly because of the complexion of their skin and all of them were all born and raised in pakistan and moved here later in life is this a common issue or have i experienced something in that is very unusual if this is an actual problem how has this impacted the societies in pakistan finally i would

अमेरिका मूव हुए पढ़ाई लिखाई की वहाँ दोस्त बनाए ज़्यादातर दोस्त इनके पाकिस्तानी थे कुछ सालों बाद कोई वर्ल्ड कप के दौरान इन्होंने श्रीलंका की शर्ट पहनी तब जाके पाकिस्तानी दोस्तों को पता चला कि ये तो पाकिस्तान ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं श्रीलंकन है और फिर रेसिस रिमार्क्स और यू नो सम समूवर्ड वर्ड्स कमेंट्स वर पास्ट और ये कह रहे ज़्यादातर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं पैदा वहाँ हुए और यहाँ आए हाउ जब ये मिडल ईस्ट में थे जो पाकिस्तानीज़ वहाँ पे पले बढ़े हैं उनके साथ इन्होंने कभी ये चीज़ फील नहीं की तो यही चीज़ जो मैं पिछली ईमेल में बता रहा था उसकी वजह ये कि एज़ अ सोसाइटी हमें यहाँ पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि आपने असल में यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही सिखाया जाता है हमारी बुक्स में सैडली uh, के वी आर द बेस्ट और जब आप में देखें आप जितने भी मुल्कों में जाएँ ट्रैवल करें दुनिया में जो मुल्क ये कहते ना कि हम सब इक्वल हैं हम सब बराबर हैं एंड वी अप्रिशिएट डिफरेंसेस वो तमाम मुल्क कामयाब है और जितने मुल्क ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं बाकी सब बुरे हैं और सबको हमारे जैसा हो जाना चाहिए तो ऐसे कुछ ही मुल्क हैं और उनकी हालत आपके सामने है। इस इसमें से एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है राइट जो इम्पोज़ करते हैं कि सब ऐसे ही हो जाओ जो कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते या चेरिश नहीं करते या सेलिब्रेट नहीं करते सो यस वी हैव बिन रेज एक तो हमारा करिकुलम इज़ वेरी एंटी एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया एज वेल तो एक चीज़ वो वहाँ से सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आती है दूसरा हमारे हीरोज जो हैं सारे बोरर्ड हैं हमारी हिस्ट्री इज़ शेयर्ड विद इंडिया बट वीड लाइक टू शेड दैट ऑफ एंड वी अजियोम के जो अफगानिज थे uh, जो अफगानी रूलर्स थे वो हमारे फोर फादर्स हैं वी डोंट लुक लाए वो गानी डोंट ईट दे फूड आई मीन वी ईट सम्स हमारा वो कल्चर नहीं है इसी तरह फिर कभी हम समझते हैं हम अरबी हैं आज कल हम समझ रहे हैं हम टर्किश हैं सारे ए भाई ये टर्किश शक्लें बैठी है यहाँ पे आप गए हो ना टर्की क्या हमारे जैसे है वो कह रहे हो बड़े टाइट है तो हमने ना बस जस्ट बिकॉज वी कॉन्ट फैदम कि एट सम पॉइंट वी वर ऑल्सो हिंदूज ठीक है ना हम में से ज़्यादा लोग कॉन्वर्ट्स ही हैं ना हम कोई कहाँ से आए बट डी एन ए टेस्ट करा लो सारे राजेश निकलोगे पीछे से ऐसा ही है मेरी फैमिली भी पीछे से सीख होगी फॉर लाइक मुझे तो यही लगता है बिकॉज आई आई फील वेरी मच कनेक्टेड हालांकि मेरे कितने सीख दोस्त रहे हैं आई आई कैन हार्डली पॉइंट दम आउट राइट बट वेन एवर आई सी अ सरदार मेरे दिल से खुशी होती है पता नहीं क्यों

जो हिंदू थे वो तो पहले से रह रहे थे पाँच हज़ार साल से हम जो है ना हम वाले जो पाकिस्तानी हैं हम ऊपर से आए यूं करके स्पेस शिप से लैंड हुए हैं और अफगानी भी हमने हीरोज़ ले लिया हमारे मिसाइलों के नाम देख लें आप अफगानियों पे हैं वर्ल्ड वो वर्ल्ड वी अच्छा हमारी आवाम एक तरफ अफ़ानियों को गालियाँ देती है राइट आप कॉमेंट्स पढ़ लें उनको गद्दार बोलती है नमक हराम बोलती है ऐसा ही है कि जी हमने आपको एट्टीज़ की माइग्रेशन uh, में यहाँ पाला और फिर लोगों ने यहाँ क्राइम किए अगवा किए हीरोइन का कारोबार इस तरह के लोग कहते हैं अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं ठीक है एक तरफ वो भी कहते हैं दूसरी तरफ हमारे सारे मिजाइल गजनवी गौरी ये कौन थे तो थे तो कन्फ्यूजन है माई ब्रदर फ्राम श्रीलंका बहुत कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज सोसाइटी जो है ना फिर सुपीरियर एक तो कन्फ्यूज सोसाइटी ऊपर से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तुम ही सबसे अच्छे हो और बाकी सब थर्ड क्लास हैं सो so ये मसला है जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि आपके जो दोस्त मिडलीस्ट में पाकिस्तानी पले बड़े हैं वो ऐसे नहीं थे उसकी वजह है उसकी वजह ये है कि यार उन्होंने ज़िंदगी भर बकाला से जो जो ग्रोसरी को कहते हैं बकाला बकाला से शॉपिंग की वहाँ वो बांग्लादेशी भाई था ठीक है आ, जो सेवन एलेवन पर आप जाते रहे हो सारी ज़िंदगी या या आप कारफोर्ड जाते रहे हो या चौथरम जाते रहे हो तो वहाँ जो खड़ी हुई थी लड़की वो फिलिपीना थी ठीक है मॉल में भी सारी फ़िलिपीना अच्छा फिर आप चाय पीने गए हो तो वो साउथ इंडियन तो वो एक मल्टी कल्चरल एन्वायरमेंट के आदि बचपन से ही होते हैं एंड बिकॉज दे आर टॉट टू रिस्पेक्ट एवरी वन सो दे रिस्पेक्ट एवरी वन तो अगेन मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ के ठीक है ना भाई बेगम भी वहीं से हैं तो उनमें ये चीज़ है ही नहीं जो एंटी uh, इंडिया या एंटी हिंदू सेंटिमेंट यहाँ के पाकिस्तानियों में पाए जाते हैं वहाँ वालों में है ही नहीं क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे उनके घरों में आते जाते रहें उनके शादी ब्याह तकरीबा में जाते रहें सो वहाँ तो वाली रिजल्टमेंट है नहीं अबे जो यूनिटी इंडिया पाकिस्तान की देखनी है ना मिडलीस्ट में देख लो हैं ऐसे साथ चल के रहते हैं अबे मेरे फ्लैट में साथ रहते थे हम लोग साथ खाना पीना सब कुछ हली वल्ली भाई नहीं रह सकते अपने मुल्क में और मेरा सबसे बड़ा मसला ही है कि इंडियंस और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में साथ रहते हैं नहीं रह सकते तो अपने घर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ फ़ारिग हैं वहाँ काम है वहाँ काम है काम में इतना बिजी है शामिल एनर्जी नहीं होती लड़ने की यहाँ फारग हैं तो लड़ रहे हैं उधर वाले भी फारग लड़ रहे हैं इधर वाले भी फ़ारग लड़ रहे हैं समझ रहे ना ना राइट विंगरस जो होते हैं खैर सो हमारे यहाँ दूसरे कल्चर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती तो रिस्पेक्ट भी नहीं सिखाई जाती और जब करिकुलम में पढ़ाई है कि तुम ही सबसे अच्छे हो तो आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे दूसरे की तो आप कभी भी नहीं करोगे रिलीजियसली भी यही सिखाया जाता है कि बस तुम ही तुम हो बाकी सब तो फजूल है तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं आती वहाँ से भी विच इज़ वाई अब आजकल आप देखें कितने वाक़ हो रहे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे मंदिर में जो है तोड़फोड़ की जा रही है तो ये क्यों आ रहा है ये सेंटिमेंट कहाँ से आ रहा है यहाँ पे मंदिर तो हज़ारों साल से मौजूद है अब क्यों आ रहा है इसी तरह गंधारा Uh, मतलब बुद्धज़म का भी uh, जो है ना uh, uh, बेस रहा है ठीक है ना अफग़ानिस्तान में रहा है पाकिस्तान में रहा है के के पी -के, के में इतनी चीज़ें वो ए, एक एक बूढ़ा का एक स्टैचू निकला था तो एक साहब को खुदाई में मिला उसने उसको तोड़ दिया तो उसको खैर पुलिस ने पकड़ लिया बाद में कि यार ये एक एंशियंट रेलिक था तुमने तोड़ा कैसे वजह यही क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं सिखाई ना यार ये भी तो किसी का ख़ुदा कह सकते हो या पैगंबर कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो किसी के लिए तो ये इंपॉर्टेंस रखता है ना मगर चूँकि हमें जी सिखाई नहीं गया हम कहते हैं जी सब तोड़ फोड़ दो सब जला दो हम ही सही हैं तो फिर आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे फिर आप चर्च की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे चर्चेस पे भी अटैक्स हुए यहाँ पे मंदिर में भी हुए रिसेंटली दो तीन वाक़त हुए वेरी सैड तो ये हेट कहाँ से आ रही है ये हेट इसी करिकुलम से आ रही है और इसी आइडियोलॉजी से आ रही है सो यहाँ के जो पढ़े यहाँ के जो पले बड़े लोग हैं ना वो मोस्ट लाइकली कुछ हैं जिनको एक्सपोजर मिल जाता है जो ट्रैवल कर जाते हैं या किताबें पढ़ के वो समझ जाते हैं इज्जत करना सीख लेते हैं मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर इसी तरह अच्छा उनको फील भी नहीं होता हमारे यहाँ किसी को काला बोल देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है uh, सरफराज की एक वीडियो थी ना uh, सरफराज जो हमारा uh, विकेट कीपर है कि uh, काफ़ी वायरल भी होती ही सेट सम रेसिस टूवर्ड्स अ वेस्ट इंडियन बैट्समैन अब फ्रॉम वैसे देखा जाए तो वॉज अ रेस रिमार्क बट बींग कराची सो कॉमन एंड आई एम नॉट कि ये सही जस्ट बिकॉज इट्स कॉमन इट्स राइट मैं ये नहीं कह रहा मगर चूंकि यहाँ पे इट्स सो कॉमन अब काले इधर ऐसा ही है कितने आराम से हम बोलते हैं एक दूसरे को भाई लंगड़े किसी को पोलियो है अब हमें हमारे यहाँ था एक स्कोट था मैंने कितनी बार वीडियोज में बोला है उसको काड़ा बोल देता काड़े के बन कबाब वो बन कबाब बड़े अच्छे बने उसका नाम क्या आज तक नहीं पता ठेला था कोई बोर्ड वोड तो था नहीं काणे का बन कबाव मशहूर था नो फॉक गेवे नो वो वो बैठा होता था आराम से चिल था तो यहाँ पे चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हैं कि ये चीज़ें फील ही नहीं होती सो ये जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया मिडलीस्ट में जो पले बड़े हैं पाकिस्तानी या वेस्ट में भी देख लें क्योंकि वो मल्टी कल्चर इन्वामेंट में पले बढ़े हैं इसकी एक और मैं मिसाल बताता हूँ यही चीज़ टूवर्ड्स एनिमल्स अच्छा हम एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी नहीं करते Uh, कहते ना कि किसी मुल्क में आपने uh, जाँच ना हो तो आप देखो कि अपने जानवरों को कैसे ट्रीट करते हैं आई थिंक करेक्ट मी फाइम रॉन्ग एक तो मैं ना कोर्ट याद रह जाते हैं कहा किसने मैं भूल जाता हूँ ये गांधी ने कहा था किसने कहा था आई डोंट रिमेंबर प्लीज गाइड मी तो हम जानवरों को कितना मिसट्रीट करते हैं बैठे में कुत्ते को पत्थर मार दिया यार आप टर्की में साइप्रस में कुत्ते को कुछ चू करके दिखा दो लोग आपका आप सोशल बॉयकआउट कर देते हैं कहते हैं जानवर कहां जानवर तुम हो कहाँ से आए हो तो तुम्हें तमीज नहीं है आप देखो टर्की में आपने देखा था कुत्ते कैसे लेटे हुए होते हैं दुकान के गेट पर आपने खुद अभी वीडियो देखी होगी कि ब्लू मॉस्क में आ, सुल्तान अहमद मॉस्क जो है उसके अंदर कुत्ता आ गया था तो जो इमाम था अच्छा वहां तो इमाम भी सूट में होता है ना है ना टाई वाई लगा के तो वो कुत्ते को प्यार कर रहे हैं अब आप सोचें अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे क्योंकि किसी कुत्ते पे ये बुरा देना है इस मुल्क में कि अगर कोई कुत्ता मस्जिद के अंदर आ जाए उसका क्या हल करेंगे लोग और वही कुत्ता उसको भी उसी खुदा ने बनाया ना जिसकी जिसकी परस्तिश करने तो मस्जिद गए हो जिसको तुम सजदे मारने गए हो वो कुत्ता भी तो फील करता होगा यार हमारे यहाँ इतनी एनिमल क्रोल्टी है और हम इसको चीज़ को सोचते ही नहीं है इवन आई ऐस ए किड बिल्ली को पत्थर मारता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त मारते थे और मुझे कोई मना भी नहीं करता था बच्चों को क्या पता ये बड़े हुए तो एहसास हुआ नहीं यार वो भी जानवर है उसका भी दिल है हम बच्चों से उनकी माएँ छीन लेते हैं जानवरों से और कुर्बानी के दिनों में आप देखें लोग कैसे भगा रहे होते हैं मार मार के जानवरों को ऐसे ही है भाई जानवर उतारते हुए कितना ज़ख्मी करते हैं लोग शोर करते हैं एक जानवर पहले ही डरा हुआ है उसको आप उसके माहौल से खींच के ले आए हो सुजुकी में बिठा के राइट और आप शोर कर रहे हो उस शोर में वो बेचारा जानवर बेदकता है कितने जानवर सुजुकी से उतरते हुए ज़ख्मी होते हैं फिर वो कुर्बानी के काबिल भी नहीं रहते या फिर बच्चों को आप पकड़ा दे तो बच्चे मार मार के मार मार के भगा रहे होते इतनी एनिमल क्रूल्टी ये जो हर साल निकल आते ना कि जी ओ माई गॉड इतना मीट कंजम्पन वो पूरा साल स्टेक खाते हैं मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मगर हाँ एनिमल क्रूल्टी इस तरह की जहाँ पे इनसेंसिटिविटी की जाती है जानवरों के साथ अम, मतलब जानवरों को टीस करना उनको तंग करना परेशान करना मेरा अपना दोस्त है यार वो कहते थे इंडिकेटर दबाते हैं जानवरों के पता क्या करता था जानवरों के बॉल्स दबा देता था इंडिकेटर कोलता को था उसको इट एट सो कॉमन तो एनिमल क्रोलिटी हमारे इतनी ज़्यादा है तो वो जो वीडियो थी वो इमाम अच्छा खासा कुत्ते को प्यार कर रहा है कुत्ता आराम से चला गया होगा यहाँ अगर कोई आ जाए तो वही मौलवी साहब या मौलवी लुकिंग हमारे जो अंकल होते हैं ना जिनको बुढ़ापे में इस्लाम आ जाता है वो फिर कैसे हो जाते हैं डंडे मार मार के कुत्ते का क्या हाल करें तो ये चीज़ मैंने पता क्या नोटिस की वो वो आपने वीडियो देखिए वो एक बिल्ली को गोल गोल यूं घुमा रहे हैं टांगे पकड़ के और जब छोड़ा तो बिल्ली चकरा के गिर रही है वही वीडियो मैंने अपनी भांजी को यहाँ दिखाई वो हंस हंस के जो है ना लोट पोट हो गई कि देखो बिल्ली कैसे चकरा के गिर रही है वही वीडियो मैंने अपने बेटे को नौ साल बेटे को इंग्लैंड में दिखाई वो सर पकड़ के बैठ गई कि क्या कर रहे हो बिल्ली के साथ वो सर पकड़ के बैठ गया कि वाई वाई आर दे डूइंग लाइक दिस वो मुझसे क्वेश्चन करने लगा कि ये कौन लोग हैं वाई आर दे डूइंग क्योंकि भाई उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है कि जानवर को हर्ट नहीं करना यहाँ पे क्या तरबियत हुई है कोई मसला है नहीं बच्चे मार लें पत्थर वत्थर बच्चे बाकायदा खेलते हैं ना पत्थर लेके पीछे पीछे भागते हैं ना ये चप्पल उतार के बिल्ली को मार दिया चूहे को मार दिया इट्स जस्ट सो कॉमन मैं यार मैं अच्छा मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता अच्छा आई थॉट ही वुड फाइंड इट फनी बिकॉज आई फाउंड इट फनी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन मतलब इनसेंसिटिव इन सम वे मतलब इस तरह नहीं कि अब जुल्म नहीं करता ऑब्वियसली आई फील मतलब मुझे लगा कि बिकॉज़ मेरी नीस को हंसी आई तो शायद इसको भी आए आयो तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या कर रहे हो फिर वहाँ पे मुझे ब्रेक लगा वही ना जिंदगी में वक्त के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस कभी भी नहीं ख़त्म होता तो मेरे लिए वो लर्निंग था कि यार देखो ये बच्चे ट्रेन ही किसी और तरह से हुए हैं तो ही इज़ नॉट फाइंडिंग इट फनी तो ये भी एक चीज़ है एंड इट्स नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम इट्स अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम आई थिंक इट्स अ साउथ एशिया प्रॉब्लम जानवरों की ट्रीटमेंट यही आप ईस्ट में देखें आम, या फिर आप टर्की वगैरह में देखें कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं एवरी डॉग हैज़ अ डॉग टैग गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है म्यूनसिपैलिटी उनकी वैक्सीनेशन करती है कुत्ते पड़े हुए होते हैं थाईलैंड में मैंने देखा है कोई तंग नहीं करता कुत्तों को दे उनका ईमान का हिस्सा है ना ये कि यार ये भी खुदा ने बनाया तो ये भी खुदा की मखलूक है और इस पर मैंने कितनी बार एक चीज़ मैंशन की है और दोबारा रिपीट नहीं करूँ पूरे पुराने वाले लोग बोर होते हैं कि जिन मुल्कों में खुदा की बनाई हुई चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और ख़ुदा की बनाई हुई चीज़ों पे लॉज है ना वो मुल्क खुशहाल हैं यानी जिन मुल्कों में दरख्तों के भी लॉज है। हैं आपको पता है मेरी मेरी दोस्तें औरगन में रहती हैं सायरा इफ़ यू लसनिंग अल्लामक तो उनके दरख्त लटक रहा था मगर उनको इजाज़त नहीं थी कि वो काट दें तो उन्होंने म्यूनसिपैलिटी को फ़ोन किया कि जी ये ये ना डेंजरस लेवल पे नीचे लटक गया है तो आप आके इसको देखें तो वो खुद आए खुद ही सेफली उस दरख को वहाँ से निकाला और अब सायरा मैडम के ऊपर नहीं है कि कोई सा भी लगा लें उस मोहल्ले की या उस एरिया की एक सर्टन इकोलॉजी चल रही है जो कि उन्होंने प्लान की हुई कि यहाँ पे यही टाइप के दरख्त लगेंगे तो म्यूनसिपैलिटी आई उन्होंने दूसरा दरख़ ख़ुद इंस्टॉल किया कि आप नहीं करेंगे हम ही करेंगे हमारे यहाँ क्या है आपका जो दिल कर आपने चम्बेली का लगा दिया आपका दिल आपने नारियल लगा दिया देखा ना गुलशन इकबाल की गली में जाओ एक ही गली में चार किस्म के दरख्त चल रहे होते हैं किसी के यहाँ नीम का लगा हुआ होता है किसी के यहाँ इकोलॉजी ही बेड़ागा सब ने अपनी मर्जी से चलाया हुआ तो जिन मुल्कों में अल्लाह की बनाई हुई चीज़ यानी दरख्त फल फूल पौधे और जानवरों के कानून मौजूद हैं वो मुल्क खुशहाल है रिगार्डलेस ऑफ कि वो काफिर मुल्क हैं या एथियस मुल्क हैं या कोई सा भी मुल्क है राइट वहाँ पे अल्लाह ने रेल पेल कर दी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपनी माँ के बने हुए हाथ के कोफ्ते की तारीफ़ करते हैं तो माँ कहती है दो कोफ्ते और खा क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि उसकी बनाई हुई चीज़ की तारीफ़ करो वो और करता है आप मेरी वीडियोज़ की तारीफ़ करते हैं मैंने इस इस वीकेंड में छः छठी विडि, वीडियो है ये हैं भाई नींद आ रही है उसको ठीक है बोले जा रहा हूँ मैं बोले जा रहा हूँ डेढ़ घंटे से क्योंकि मुझे पता है इंसान की फितरत यही सिफ अल्लाह ताली की भी है राइट अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के लिए आप करोगे अल्लाह आपको और देगा इसलिए कहते हैं चैरिटी करोगे अल्लाह और देगा क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए लोगों का आप ख्याल कर रहे हो तो अल्लाह आपको और देगा राइट मेरा भी यही मोटो है और मेरा भी यही ईमान है और मैं इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता हूँ तो अगर अगर आप मुल्कों के इस पैरामीटर में देखें दरख्तों की जानवरों की जहाँ केयर हो रही है अल्लाह ने उनको मालामाल ऐसा ही है भाई पूरी दुनिया याद होता ना एक दो को किया हुआ हो बाकी नहीं किया हुआ पूरा वेस्ट उठा लें या मिडलीस्ट भी उठा लें अल्लाह ने बहुत सो दियाया मैन तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई तो यहाँ इट्स अ वेरी कॉमन यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट रेसिस डिफरेंट रिलिजन्स और डिफरेंट स्पीशी कोई रिस्पेक्ट नहीं है बस सिर्फ सुन्नी मेल पंजाबी इज़ द अल्टीमेट प्रिवलेज इट्स द वाइट मैन ऑफ पाकिस्तान फिर उसके बाद नीचे 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 आते रहते हैं राइट right? अब हार में सिंधी कहाँ है पठान का है बलोच का है आई एम नॉट गोइंग मतलब डिफाइन दैट बेके सुन्नी मेल पंजाबी इज़ दी अल्टीमेट प्रिवलेज इन दिस कंट्री सो उसके बाद तो फिर सारे खली वल्ली सो ये है सो आई आई एम सैड दैट यू हैड टू गो थ्रू दिस आई हैव हैड अ श्रीलंकन फ्रेंड इन दुबई वेरी फनी गाई रुशदी और रुशदी जब संगाकारा रिटायर हुआ था तो सो उसके तरह अफसोस किया था मैंने हमारी एक पिक्चर भी है इफ़ आई कैन फाइंड इट एलपोर्टेड अप तो रुशदी को हम अफसोस कर रहे हैं कि यार संग संगा चला गया लवली गाय है श्रीलंका आर अमेजिंग पीपल हंड्रेड परसेंट लिटरेसी रेट एंड वेरी डाउन टू अर्थ वेरी मेरा हंड्रेड परसेंट इनकाउंटर विद श्रीलंका दिस हैज़ बिन अमेजिंग एंड हु एवर ऑफ माई फ्रेंड हैज़ विजिटेड श्रीलंका दे वॉल वी सेड वंडरफुल थिंग्स हाँ कस्टम्स और सॉरी इमिग्रेशन में मसले होते हैं बट दैट टू बिकॉज यहाँ से बड़े मुस्लिम वाले लोग जाते हैं तो फिर वो उन्होंने भी हमें मार्क किया हुआ है other than that, everybody says lovely things about sri lanka. and i'd love to visit sri lanka once covid things subside. so i hope and i wish you all the best. and i hope i answered in some way sorry to uh, that you had to go through all this. and i hope we learn from these mistakes of other people that we don't end up repeating and end up hurting our sri lankan or indian or bangladeshi brothers.